हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी सीएचएसएल के यूट्यूब कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहला लेक्चर आज है आपका, जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन को कैसे स्पीड बढ़ाएं हम अपने कैलकुलेशन में, उसके ऊपर कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। हमने जीवन में कभी ना कभी हम समुंदर पे तो गए होंगे, है ना। तो कुछ लोग क्या होते हैं, अगर एक समुंदर है तो समुंदर के किनारे पर जाते हैं, समुंदर देखते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुंदर के आगे जाते हैं, थोड़ा भीगते हैं और फिर वापस निकल के आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समुंदर के अंदर गोता लगाते हैं और अंदर से मोती को चुन के निकल के बाहर आते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है, जो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम तक चलेगा यूट्यूब के माध्यम से, ये भी एक समुंदर की तरह है। आपका पार्टिसिपेशन डिसाइड करेगा कि आप कहां हैं। क्या आप समुंदर को देखकर वापस जाने वाले हैं, आप समुंदर में कुछ देर भीग के फिर वापस जाने वाले हैं, या अंदर जाके वो जो सक्सेस होता है ना, वो गोटी वहां से मोती को चुन के वापस आना ही एक सक्सेस है। तो कोर्स सबके लिए एक समान है, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन और आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप भी हमारे साथ मेहनत करने को तैयार है जितना मेहनत हम आपके साथ करने को तैयार है। तो इसी कुछ शब्दों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। अगर आप YouTube में पहली बार जुड़ रहे हैं कंपटीशन कम्युनिटी में, तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि सारे के सारे जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आपको मिल जाए। दूसरी बात, इस कोर्स के दौरान हम आपको दो तीन चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। लेक्चर होते साथ आपको मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पीडीएफ, ठीक। हर एक लेक्चर का आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल के जरिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। सेकेंड, आपको यहां पर हम देंगे प्रैक्टिस शीट्स, है ना। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेगा, ये आपको वीकली बेसिस पे मिलेगा। जो भी टॉपिक हमने इस हफ्ते पढ़ाया उसका आपको प्रैक्टिस शीट सैटरडे के दिन मिलेगा। 25 सवाल हर एक सब्जेक्ट से, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। सभी सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगे। इसके बाद एक टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में करना क्या है, इस ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, डाउट से रिलेटेड जो भी हमने यहाँ शॉर्ट नोट्स पे दिया, लेक्चर में दिया, कुछ समझ में नहीं आया, आप वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें सभी विद्यार्थी जो है वो डिस्कशन कर पाएंगे। प्रैक्टिस शीट से कुछ सवाल आपसे नहीं बन रहा है वो भी आप वहां पे डाल सकते हैं। तो हमको समझ में आएगा कि आपके डाउट क्या है इसमें, और उसका डाउट क्लैरिफिकेशन हम वीडियो के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है किस तरीके से हमारा कोर्स चलने वाला है। सारी चीजें निःशुल्क है, आपको केवल उस टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन जो भी मिलेगा वो सारी चीजें वहीं प्रोवाइड होगी, शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स। ग्रुप डिस्कशन में आप यहाँ पे जो समझ में नहीं आया वो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास टाइम तो एक ही घंटा है और सवाल 100 है, मतलब कि हमारे पास कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी काम है। स्पीड बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन ट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। तो एसएससी सीएचएसएल के लिए हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम पहले कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे, जो कि है स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट, ठीक है। जहां तक स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट की बात है और क्यूब्स, क्यूब रूट्स की बात है, तो सबसे पहली बात, स्क्वायर्स को तो आप 1 से 1000 तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आपके लिए स्क्वायर्स 1 से 125 तक के स्क्वायर्स को विद इन सेकेंड्स निकालना मोर देन सफिशियंट है। तो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको वही पढ़ाऊंगा जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपको जरूरत है, ठीक है। 1 से 1000 तक का स्क्वायर जो है वो भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में इतने हाई लेवल तक सवाल नहीं पूछे जाते। फिर हम देखेंगे स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर्स का कैसे निकालना है, इसके ऊपर भी कुछ सवाल देखेंगे। क्यूब्स, अगर आप 1 से 20 तक याद करते हैं मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। 21 को भी आप याद कर सकते हैं, ये भी इतना मोर देन सफिशियंट होता है क्यूब्स। उसके बाद फिर हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और इसी तरीके से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को कैसे स्पीड अप करना है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत संख्या, यहां पर एक आपको शब्द मिला कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब एक के बाद एक जो नंबर आता है, जैसे कि अगर मैं 5 लिखूं तो 5 के बाद आएगा 6, ये जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं 11 कह रहा हूं तो 11 के बाद क्या आएगा, तो 12 आएगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने लिया तो इसमें एक छोटा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है।
तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि आप या तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करिए और प्लस स्मॉल नंबर करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर या हिंदी में भी समझिए, छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या करने से आपका स्क्वायर निकल जाता है, या फिर आपको क्या करना है तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर करना है, यानी बड़ी संख्या का आपको वर्ग निकालकर उसमें से बड़ी संख्या घटा देनी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको एक नंबर लिया था यहां पर 11 × 12। तो अगर आपको 11 × 12 करना है तो आपको देखना यह है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें 11 करेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, प्लस 11 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 132। ये है एक तरीका जिससे आप फटाफट बिना पेन चलाए, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हैं और आपका उत्तर आ जाएगा 132। दूसरी बात मैंने कही, या तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 11 × 12 निकाल सकते हैं, या फिर आप 11 × 12 निकालना हो आपको तो क्या करना होगा, बड़ी संख्या लीजिए 12 का स्क्वायर माइनस 12 करिए। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है तो 144 होता है, माइनस 12 करोगे तो भी आपका 132 निकल गया है। क्लियर? इसके बाद देखिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मुझे 17 × 18 निकालना है तो 17 × 18 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने जैसे ही आपको यह बात बता दी तो आपको या तो 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए या 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर 17 का स्क्वायर पता है तो उसमें आप 17 जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो 306 आ जाएगा, ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। या हमें 17 × 18 करना है तो 18 का स्क्वायर निकालना होगा, माइनस 18 करना होगा, ठीक, और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 324 माइनस 18 जो कि कितना हो गया तो 306 फिर से आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हमें जो है कैलकुलेशन करना है अगर कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ये चीजें मैंने यहां क्यों बताई, क्योंकि आगे अभी जब स्क्वायर्स निकालेंगे तो इन चीजों का मैं यूज करूंगा, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर आ गए तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक, अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि देखिए जैसे मैंने 11 × 12 लिखा, 11 × 12 मैंने लिखा, तो इस 12 को क्या मैं तोड़ के लिख सकता हूं 11 + 1। इस 12 को मैं इस तरीके तो से तो लिख ही सकता हूं 11 + 1। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा होगा जिसमें हम ये देखे हैं शुरुआतों की क्लास में स्कूल में कि जब a × b + c होता है, आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होता है, ए सी से भी मल्टीप्लाई होता है। उसी प्रकार अगर अब यहां पर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो यह बन जाएगा 11 का स्क्वायर + 11। यही चीज है कि हम यहां पर छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या कर रहे हैं। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बना होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या है, यहां इस 11 को हम 12 − 1 लिख सकते हैं, तो 12 − 1 लिखोगे तो 12 अंदर जाएगा तो बड़ी संख्या का स्क्वायर हो गया, माइनस उसमें से बड़ी संख्या करना है, इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला। ठीक, तो ये है कुछ विधि जिससे हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना पेन चलाए। ठीक, कैलकुलेशन स्पीड बनाने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है आप पेन कम चलाइए, मेंटल कैलकुलेशन करिए, जितना आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे उतने फटाफट आपका आंसर्स निकलेंगे और टाइम कम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर दो क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, तो उसका फॉर्मूला है कि आप बीच की संख्या लें उसका वर्ग करें -1, मिडिल नंबर का स्क्वायर -1। जब मैं कह रहा हूं कि दो कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर, ऑड नंबर का मतलब होता है जो दो से नहीं कटते, इवन नंबर का मतलब वो होता है जो दो से कटते, तो कंसेक्यूटिव का मतलब यही है कि लगातार आने वाले, इवन नंबर जो दो से कटते हैं, ऑड जो दो से नहीं कटते हैं, डिविजिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 12, तो 12 एक इवन नंबर है, इस 12 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 14। अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करना है, सपोज करिए मुझे 17 के साथ मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो 17 के बाद अगला क्रमागत नंबर कौन सा होगा, क्योंकि ये ऑड है तो हम ऑड नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगला ऑड नंबर आ जाएगा 19। क्लियर, बात समझ पाएंगे? तो 12 × 14 करना हो या 17 × 18 करना हो तो इसके बीच में एक संख्या छुपी हुई, इसके बीच में कौन सी संख्या छुपी हुई, 13। तो 13 का स्क्वायर -1 करेंगे, वही मैंने यहां लिखा हुआ है मिडिल नंबर का स्क्वायर -1, यहां पे आपका मिडिल नंबर बन जाता है 18, 18 का स्क्वायर -1 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये बताइए कितना हो गया, ये आपका बन जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस का 1 168 हो जाएगा। ठीक, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में से एक घटाओगे तो 323 आ जाएगा। ठीक है, 323।
तो ये कुछ तरीके हैं। अब इसका भी फॉर्मूला बना तो कैसे बना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एलजेब्रा में एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एलजेब्रा में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अभी करना है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए अगर मैं यहां बी को वन डाल दू, क्या करना है, बी को अगर मैं वन डाल देता हूं तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का वन और ये हो जाएगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस बी, यही होगा करेक्ट। अब सबसे पहली बात, यहां पर अगर बीच की संख्या 13 थी तो देखिए अगर मैं यहां 13 डालता हूं 13 का स्क्वायर माइनस एक आएगा, और यहां क्या हो रहा है तो 13 में एक जोड़ोगे तो 14 आएगा, 13 में एक घटाओगे तो 12। उसी प्रकार अगर मैं यहां 18 डाल दूं तो 18 का स्क्वायर माइनस एक होगा, यहां 17 बन जाएगा, यहां 19 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला बना तो कैसे बना। अब इस फॉर्मूले को यूज करके और भी बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन आप मेंटली कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं यहां पर एक नंबर लिख लूं, जैसे कि मैं लिखता हूं 221, कैसे बना ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक नंबर चलना चाहिए 225, जो कि क्या है 15 का स्क्वायर है, माइनस का अगर मैं 4 करता हूं तो 221 बनेगा। मैंने इस तरह से इसलिए तोड़ा क्योंकि ये आपका है 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 221 देखते साथ मेरे माइंड में ये कैलकुलेशन चलना चाहिए कि यहां पर 225 माइनस 4 हो रहा है जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। अगर a प्लस बी मैं कहूं तो 15 प्लस 2 आएगा, क्योंकि देखिए ये 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, तो 15 प्लस 2 यहां पर आ जाएगा आपका 17, और 15 माइनस 2 करोगे तो यहां पर आ जाएगा 13। मतलब ये जो 17 इंटू 13 है उससे ये बना। तो जरूरी नहीं कि यहां पर हमारा जो गैप है वो एक दो का हो, यहां जब गैप 4 का होता है तभी भी आप इस तरीके से कर सकते। बस ये है कि इसके बीच में जो गैप हो रहा है वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी 2 इंटू समथिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 करता था, 17 मल्टीप्लाइड बाय 23, अगेन इसमें गैप 6 नंबर्स का आ रहा है, तो इवन नंबर ऑफ गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक का गैप ले लिया, एक का गैप लोगे तो फिर वहां पे आपका कंसेक्यूटिव नंबर बन जाता है, या गैप इवन नंबर का बन रहा है तो आपको यहां पे बीच का नंबर लेना है जो कि है 20 का स्क्वायर, और डिफरेंट देखना है कि ये 20 में से 3 माइनस करने पे बना है और ये 20 में 30 प्लस करने से बना है, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे कि 400 में अगर मैं 9 कम करूं तो 391 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेंटली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 17 इंटू 23 जो है वो 391 होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई ये फॉर्मूला कैसे बना और इस फॉर्मूले को और भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे कि आप स्कूल में जब एडमिशन लिए थे तो आपने कहीं ना कहीं कुछ टेबल्स को याद किया था। ठीक, यहां पे भी जब हम स्क्वायर्स की बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 25 के स्क्वायर तो याद करिए, यहां पे मैंने 30 के स्क्वायर तक लिखा हुआ। जहां पर भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं वहां पर आप इसको लिख कर वहां चिपका के रखिए। अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद होना हो जाना चाहिए, और एक बार आपको ये याद हो गया तो एक से लेकर 125 तक का स्क्वायर जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो आप विद इन सेकेंड्स निकाल पाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहली बात यहां पे देखिए, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग हो गया 144, 13 का वर्ग हो गया 169, 14 स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 16 का स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर होता है 391, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर हो गया आपका 529, 24 स्क्वायर 576 और 25 स्क्वायर हो गया 625। आगे के याद रखें तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है कि आप कम से कम यहां तक तो याद करके रखे ही रखे। आगे का आप लिख सकते हैं, 26 का स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसमें अच्छे से नजर लगाइए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद करेंगे और
बोल के याद करेंगे ताकि आपको ये याद रहे, आगे भी हम इसको अच्छी तरह से यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके एक दो मिनट के लिए इसे अच्छे से याद किया होगा, नोटबुक में नोट किया होगा और कुछ व्यवस्था आपने बनाया होगा जहां आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे इसको एक पेपर में चिपकाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर ऑफ नंबर विथ यूनिट डिजिट 5, ऐसे संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई का अंक 5 हो उसे हमें कैसे निकालना है। यहां पे मैंने अभी कुछ नंबर्स जो स्क्वायर हमने देखे थे वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर 25 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 25 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 625 होता है ना, तो इसको हम दो भागों में करेंगे। जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, एक ऐसे स्लैश लगा देंगे आगे, तो 25 आना कंफर्म है, क्लियर। आगे मतलब कि यूनिट डिजिट में और टेंथ डिजिट में 25 आना कंफर्म है। इसके अलावा क्या करना है, तो इस 5 को छुपा लीजिए, इस 5 को छुपाएंगे तो क्या बचा, 2 बचा, तो 2 में 2 से एक बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो कि 2 × 3 होता क्या है 6, और ये 25 ऐसा हो जाएगा इसका स्क्वायर। आसान है, लग रहा है। तो ये हमने क्या किया, 2 में 2 से एक बड़ी नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया और 25 आगे लिख दिया। इसी तरीके से आपका स्क्वायर निकल जाता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बातें मैं नहीं करूंगा, आसान आसान सी चीजें हम सीखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए सेकंड, 45 का स्क्वायर चाहिए तो आगे क्या करना है, 25 लिख देना है। 5 को छुपाइए तो क्या बचा, 4 बचा, तो 4 में 4 से एक बड़ा नंबर लेंगे 5, 4 × 5 होता है 20 और यहां पे 25 आ जाएगा, ठीक। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मैंने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो उसको क्यों यूज करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। 8 यहां पे दिख रहा है पहले, तो सबसे पहली बात एक स्लैश लगाएंगे 25 और ये 5 को छुपा देंगे, 8 × 9 हमें करना है, तो 8 × 72 72 और आगे 25, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जब यहां पे 11 आ गया, अब आपको कहीं ना कहीं हमने जो चीजें सीखी थी 11 × 12 और यहां पे 25, 11 × 12 कैसे निकालते हैं, मेंटल कैलकुलेशन में कैसे निकालना है, बिना पेन चलाए 11 का वर्ग लोगे 121, इसमें आप 11 जोड़ लोगे, या 12 का वर्ग लोगे उसमें 12 घटा दोगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सीख लिया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स में। तो जितनी भी बड़ी संख्या हो आप, अगर आपको उसका वर्ग यानी मल्टीप्लीकेशन करना है तो छोटे वाले नंबर का आपको स्क्वायर करना होगा और आगे वाले का उसमें मतलब उसमें छोटे नंबर का स्क्वायर करके छोटा नंबर जोड़ना होगा या बड़े नंबर का स्क्वायर करके उसमें बड़ा नंबर घटाना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13225, ठीक। एक और एग्जांपल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 135 का स्क्वायर है तो 13 × 14 करोगे और यहां पे 25 लिख दोगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 182, 182 में 13 जोड़ो, सॉरी 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 जोड़ोगे तो 182 आ जाएगा एक, और यहां पे आगे 25 आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो हो गया ट्रिक कि अगर कोई नंबर 5 के साथ अगर एंड हो रहा है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो इस 5 के लिए आपको यहां 25 लिख देना है, 5 को छुपाने के बाद जो नंबर लग रहा है उससे एक बड़ा नंबर लेके दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 13 था यहाँ पे तो मैंने 5 को का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 13 से एक बड़ा नंबर लिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो कैसे स्क्वायर निकालना है ये आप सीख गए होंगे। अब देखिए 1 से लेकर 125 तक के संख्याओं का वर्ग, 1 to 125 तक कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है ये अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक। तो देखिए इसको सीखने के लिए हम इस 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर तो हमने लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है। 1 से लेकर 25 तक के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बचता है 26 से लेकर 125। 26 से लेकर 125 तक का स्क्वायर आप फिंगर टिप्स में तुरंत निकाल सकते हैं अगर आपको 1 to 25 तक का नंबर का स्क्वायर अच्छे से याद है। तो मैं यहां पर इस स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 26 से 75 तक का स्क्वायर, तो यहां पर मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा 25 से 75 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उसका एक अलग तरीका सीखेंगे। 75 से 125 तक का कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकाला हो उसको हम अलग सीखेंगे। इसको सीखने के लिए हमें दो नंबर याद रखने, एक होता है बेस नंबर यानी आधारित संख्या,
दूसरा होता है उस आधारित संख्या से एक डिफरेंस होता है किसी एक नंबर से, तो डिफरेंस किससे लेना है और बेस नंबर क्या है, ये दोनों केसेस में अलग होता है। 75 से 125 तक अलग होता है और 25 से 75 तक अलग होता है। तो देखिए समझिए इसको थोड़ा सा, यहां पर हमारा जो बेस नंबर होगा वो बन जाएगा 25 और हम जो डिफरेंस लेंगे ना वो डिफरेंस हमको लेना होगा 50 से। क्लियर? यहां पर हमारा जो बेस नंबर होगा वो हो जाएगा भाई सेम नंबर, और जो डिफरेंस हमको लेना होगा वो डिफरेंस हम लेंगे 100 से 100 से। ठीक है, इतना नोट डाउन करके रखिए, इसके बाद समझते हैं कि हमने जो लिखा है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम आएंगे 25 से लेके 75 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, कोई भी नंबर 25 से 75 के बीच में आप ले लीजिए। शर्त इतना है कि 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक, सपोज मैंने लिया यहां पर 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर लिया तो मेरा बेस नंबर 25 है तो मैं 25 यहां लिखूंगा सबसे पहले। फिर हमको क्या करना है, तो 50 जो है 50 और यहां पे 100 कैसे है, डिफरेंस किससे ले रहे हैं हम, बीच में जो संख्या पड़ रही है उससे डिफरेंस, 25 और 75 के बीच में 50 पड़ता था इसलिए हम डिफरेंस 50 से लेंगे, और 75 और 125 के बीच में 100 पड़ता था इसलिए यहां पर हम डिफरेंस लेंगे 100 से। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने डिफरेंस इससे क्यों लिया। अब देखिए माइनस करना है हमको इस डिफरेंस को, क्यों माइनस करना है, तो ये जो संख्या आपके सामने दी हुई है ना 41, ये 50 से छोटा है इसलिए मैं माइनस करूंगा जो डिफरेंस है, और आगे आपको डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है, बस इतना ही करना है। 25 माइनस 9 करोगे 16 आएगा और यहां पर आपका 81 का स्क्वायर आ जाएगा, 1681 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान बस इतना देना है कि जब आप यहां पे स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका जो स्क्वायर है यहां पे हमेशा आपको दो अंक लिखने हैं, यानी यहां आपको हमेशा टू डिजिट्स लिखने हैं, चाहे आपके कैलकुलेशन में स्क्वायर करने पर एक डिजिट आ रहा हो, दो डिजिट आ रहा हो या तीन डिजिट आ रहा हो, तीन से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने डिफरेंस जो लिया है मैक्सिमम डिफरेंस 25 का है, तो तीन से ज्यादा आपका जो है नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं आएंगे। इस केस में भी आपको यहां दो डिजिट लिखने हैं, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है तो मैंने 81 लिख दिया, अगर एक डिजिट आ रहा है तो आपको जीरो के साथ उस डिजिट को लिखना होगा। जैसे कि मैं कहता हूं आपको निकालना है यहां पे 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर निकालना है तो 25 में आपको जोड़ना होगा डिफरेंस, जोड़ना क्यों है, पिछले वाले में घटाना क्यों था, यहां पे हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि 41 जो है वो 50 से कम है, यहां पे हम जोड़ेंगे 2 क्योंकि जो है आपका 50 से बड़ा है 52, तो इसलिए आपको डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे प्लस का 2 आ जाएगा और साथ में आपको यहां पे डिफरेंस का स्क्वायर लेना होगा, तो डिफरेंस का स्क्वायर तो 4 होता है लेकिन आप लिखोगे 04 और 25 में 2 जोड़ने पर 27 आता है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा 39, चलो देखते हैं 39 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो बेस नंबर 25, इसमें मैंने किया 11, 11 कहां से आया, तो 50 से आपको डिफरेंस लेना है, सबसे पहला काम है स्टेप है 25 जो कि बेस नंबर आप लिखोगे, सेकेंड स्टेप है डिफरेंस, अगर नंबर कम है तो माइनस करना है, अगर नंबर ज्यादा है तो प्लस करना है। 39 क्या था, 39 50 से कम था इसलिए मैंने माइनस किया 11 जो कि डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है उसी का स्क्वायर भी लेना है, मतलब आपको यहां पे 11 का स्क्वायर भी करना होगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है लेकिन हम लिखेंगे 21, 121 का केवल 21 लिखना होगा और एक आपका आगे चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 121 का यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है, केवल 21 लिखेंगे क्योंकि दो डिजिट लिखने थे और एक आगे चला जाएगा, मतलब 26 में से आपको 11 घटाना है, तो 26 में से 11 घटाओगे तो यहाँ पे सॉरी 26 में से 11 घटाओगे तो 15 आएगा, 1521 आएगा, करेक्ट है, 1521 हमारा जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर चाहिए, बताइए कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो 63 आपका बेस नंबर तो 25 है तो वो चेंज नहीं होने वाला, 25 का 25 रहेगा 25, इसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें 13 क्योंकि ये 63 जो है 50 से 13 ज्यादा है इसलिए 13 जोड़ना पड़ेगा और 13 का स्क्वायर लेना होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 लेकिन लिखेंगे हम केवल 69 और 1 जो बच गया कैरी फॉरवर्ड उसको आगे भेज देंगे, आगे भेजोगे 25 में आप 13 जोड़ोगे तो 38 आएगा, 38 में एक और जोड़ोगे तो 39 आएगा,
3969 हो गया 63 का स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई कि 25 से 75 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना है। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पैटर्न में, 75 से 125, क्योंकि हम टोटल 1 से 125 तक किसी भी नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने जब यहां बेस नंबर लिखा तो सेम नंबर है, यानी जो संख्या को आप लोगे वही उसका बेस नंबर बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बेस नंबर फिक्स्ड है 25, यहां बेस नंबर आपका चेंज होता रहता है। अगर आप जो नंबर लोगे, जैसे 90 लिया तो बेस नंबर 90, अगर 101 लिया तो बेस नंबर 101, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां 25 जो है बेस नंबर आपका फिक्स्ड है। क्लियर, कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है 103 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बेस नंबर क्या बनेगा, तो 103 का 103 ही बनेगा, और मैं देखूंगा डिफरेंस, आप 100 से डिफरेंस लेना है, 100 से डिफरेंस लोगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 को आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर इससे 100 से ज्यादा है, और आगे आप लोगे 3 का स्क्वायर। फिर से ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर स्क्वायर है तो यहां आपको दो डिजिट लिखने होंगे, तो दो डिजिट यहां पे 09 आएगा, केवल 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और वो एक डिजिट है, तो हमको यहां पर दो डिजिट लिखने होंगे 09। ठीक, फिर 103 प्लस 3 करोगे तो 106 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको जोड़ के लिखना। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए भाई 98 का स्क्वायर क्या है, तो 98 में क्या करना है, 98 ही बेस नंबर होगा, माइनस का 2 करेंगे, माइनस 2 कैसे आया, 100 से डिफरेंस लोगे 98 का तो 2 का डिफरेंस, और क्योंकि कम है इसलिए हम माइनस करेंगे, और आगे आपको क्या करना है, डिफरेंस जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर। ठीक है, यही चल रहा है ना, जो डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर, यहां 2 डिफरेंस आया 2 का स्क्वायर, 11 डिफरेंस आया 11 का स्क्वायर, 13 डिफरेंस आया 13 का, तो 2 डिफरेंस आया तो 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर होता 4 है, लिखेंगे 04 और ये बन जाएगा 98 माइनस 2 यानी 96। क्लियर, अब सपोज करिए कि हमें निकालना है 91 का स्क्वायर, तो 91 में माइनस 9 करना होगा क्योंकि 91 100 से 9 छोटा है इसलिए डिफरेंस 9 का बना, और आगे 9 का स्क्वायर बनेगा, तो यहां 81 भी आएगा और 91 माइनस 1 करोगे तो 82 भी आएगा। क्लियर है, 91 का स्क्वायर कैसे निकला, 8281। अगर मैं यहां पे लिखूं 87 का स्क्वायर सपोज, तो 87 में मुझे 13 माइनस करना होगा और आगे लिखना होगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर अभी अभी देखा था 169, लेकिन लिखेंगे 69 और ये जो एक है एक को आगे ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो ये 88 बन जाएगा, 88 में से 13 घटाओगे तो 75 आएगा। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल जिसका आप कमेंट करेंगे, 112 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो 112 का स्क्वायर जब निकालने जाओगे कमेंट सेक्शन में बताइए, बेस नंबर 112 हो गया और क्योंकि ये 112 है तो इसमें अब डिफरेंस देखोगे 100 से, तो 12 का डिफरेंस है तो इसलिए 12 अब जुड़ेगा, घटता जब है जब 100 से कम होता है, बढ़ता जब है जब 100 से बड़ा होता है, तो ये नंबर 100 से बड़ा है इसलिए हम प्लस का 12 करेंगे और आगे करेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, तो लिखेंगे केवल 44, अगर 144 आया तो हमको केवल 44 लिखना है, एक आगे भेज देना है, 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 आएगा और एक कैरी फॉरवर्ड था तो 125 बन जाएगा, 1, 2, 5, 4, 5। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इस तरीके से हम 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर जो है मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट पेन चलाए, केवल अगर हमें 1 से 25 तक के स्क्वायर अच्छे से पता हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्क्वायर्स की कुछ बातें, कुछ एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि आपने कितना समझा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे एक एक करके सॉल्व करते जाइए, 57 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 57 का स्क्वायर अगर ये 7 है तो आप जानते हैं बेस नंबर तो हमारा 25 होता है, 25 में आप जोड़ेंगे 7 और आगे लिखेंगे 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49, 25 में 7 जोड़ोगे तो 32 आएगा, 3249। क्लियर, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 49 का स्क्वायर है, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में 49 आया तो क्या करना है, 49 में माइनस, सॉरी 49 नहीं, यहां पे आपका बेस नंबर क्या होगा, 25 होगा, 25 से लेकर 75 तक हमारा बेस नंबर 25 होता है, तो 25 में आपको 1 माइनस करना होगा और 1 का स्क्वायर लेना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन लिखोगे 01, 25 माइनस 1 करोगे तो 24 आएगा। ठीक, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 89 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 89 के स्क्वायर में आप जानते हैं बेस नंबर हमारा अब 89 होगा क्योंकि 75 से जब हम 125 तक जाते हैं तो बेस नंबर हमारा सेम नंबर होता है,
और क्योंकि ये जो 89 है 100 से 11 कम है, तो माइनस का 11 और आगे आपको लिखना है 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है, लिखोगे 21, एक जोड़ोगे तो 90 आएगा, 90 में से 11 गया तो 79 आ गया। ठीक, 117 का स्क्वायर चाहिए हमें, 117 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 117 का बेस नंबर 117 होगा क्योंकि 75 से 125 के बीच में बेस नंबर सेम नंबर हो जाता है। अब 117 में डिफरेंस देखोगे 100 से तो 17 का आ रहा है, और क्योंकि नंबर ज्यादा बड़ा है तो यहां पर प्लस 17 करना होगा, और यहां पे आपको आगे क्या करना है तो 17 का स्क्वायर भी लेना है। 17 का स्क्वायर होता है 289, लिखेंगे हम 89। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना है 289 है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम 89 और 2 को आगे भेज देंगे, 17 प्लस 17 34 प्लस 2 136 आ जाएगा, 13689 जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने पे। परफेक्ट स्क्वायर्स है यानी कि पूर्ण वर्ग है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालना है इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहां पे अगर यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर रूट के अंदर 1 है, मतलब कोई भी नंबर है और उसका इकाई का अंक 1 है, तो नंबर का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट डिजिट अगर 4 है तो नंबर 2 या 8 हो सकता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि जब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो नंबर यहां पे 4 आया, जब मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो भी यूनिट डिजिट जो है वो 4 आता है यहां पे। साथ ही साथ अगर हम 18 के स्क्वायर की बात करें तो 18 के स्क्वायर में भी यहां पे यूनिट डिजिट 4 आता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, उस परफेक्ट स्क्वायर में कुछ ही नंबर्स आ सकते हैं। आप देखेंगे तो 14965 69410, मतलब कि 14569 0, यही 6 नंबर्स वहां पे दिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स में। लेकिन हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो तो 1 से लेकर 9 तक और 0 भी है, मतलब 10 डिजिट्स हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने पर आपके पास यहां तो 1 4 5 6 9 आता है। तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर रूट में जब हमको 1 दिखा, 4 दिखा, 9 दिखा या 6 दिखा, तो उसके दो दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे, तो बाकी के 4 कहां जाएंगे। इसलिए यहां पर जब स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ रहा है तो उसका मतलब या तो हमने जो स्क्वायर निकाला होगा नंबर उसका इकाई अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ऐसे समझिए कि यहां 11 का स्क्वायर है तो यहां 1 आ रहा है, 19 के स्क्वायर में जाओगे तो यहां 9 है फिर भी यहां पर 1 आ रहा है, मतलब जब स्क्वायर रूट निकालने की बारी आएगी तो यहां 1 है तो यहां पर 9 हो सकता है, 121 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहां 1 है तो यहां पर भी 1 हो सकता है। तो दो केसेस निकलती है इस चीज में। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टेबल जो मैंने बना रखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर इकाई का अंक 1 है, मतलब नंबर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर यूनिट डिजिट 4 है तो इकाई का यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 2 या 8 होगा। अगर यहां पे 9 आया तो यूनिट डिजिट 3 या 7 होगा। अगर यहां पे 6 आया तो यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। अगर यहां पे 5 आया तो 5 ही होगा। अगर यहां पे 0 आया तो 0 होगा। अब यहां पे हम पूर्ण वर्गों के वर्गमूल की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स की। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का हम नहीं निकालेंगे इस तरीके से, केवल आपको पता होना चाहिए जब कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसी वक्त आप इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको जो कन्वेंशनल वे है जो आपने बचपने में कभी सीखा होगा उसको एक बार हम रिवाइज जरूर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक सवाल मैं लूंगा उसके लिए भी। या तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी आप इसको लगाएंगे। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे कि मुझे अगर पता चल गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 6 देखते साथ ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर दो पॉसिबल नंबर है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये समझ में आ गया 6। अब 6 है तो यहां पर या तो 4 होता है, या तो 6 भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है जब यूनिट डिजिट 6 होता है। तो मैंने 4 और 6 दोनों लिख लिया। अब करना क्या है, इस आखिरी के दो नंबर को छोड़ देना है। क्या करना है, आखिरी के दो नंबर को छोड़ देना है। इसके पहले क्या लिखा है, तो 243 लिखा है। 243 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आपको याद करना है कौन सा होता है। तो 243 से छोटा
सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आप याद करने की कोशिश करिए क्या होता है, तो वो होता है 225 का, क्योंकि आप 256 में जाएंगे तो 256 तो 243 से बड़ा होगा, 243 से बड़ा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं द बिगेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज लेस देन 243 इज 225। तो 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब नंबर जो होगी या तो 154 होगी या तो 156 होगी। बात समझ में आई कि नहीं, नंबर या तो 154 है या तो 156 है। अब डिसाइड कैसे करें कि कौन सा नंबर लेना है कौन सा नंबर छोड़ना है, उसके लिए आप इन दोनों के बीच में एक नंबर है 155, हमेशा जो है ना ये 5 वाला नंबर दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि जो पैर बन रहे थे वो क्या बन रहे थे, 2 या 8 का बन रहा था, 1 या 9 का बन रहा था, ठीक है, 3 और 7 का बन रहा था और 4 और 6 का बन रहा था। आप कहीं पर भी देखिए तो बीच में 5 आता ही है, मतलब एक अगर 154 156 आया तो आप 155 ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये नंबर जो है इसका स्क्वायर क्या इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है। तो 155 का स्क्वायर निकालना कैसे होता है, तो आगे 25 लिखना है और यहां पे आपको 15 × 16 लिखना है, याद आ रहा है वीडियो के स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, 5 दिखा तो यहां 25 होगा, इसको छोड़ दोगे तो 15 बचा, 15 × 16 करना है। 15 × 16 क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 यानी 240 यहां पे आएगा और 25 यहां पर। अब आप खुद ही बताइए कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 24336, ये नंबर तो इससे बड़ा है, मतलब यहां पर जो नंबर है वो भी बड़ा होगा, 154 गलत है, आंसर हो जाएगा 156। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस से हमको सारे स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया घबराइए मत, मैं कुछ एग्जांपल्स और लेकर आपको समझाता हूं। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, सेम चीज 6 यहां पे, तो 6 यहां पे आपको दिखा तो नंबर या तो 4 होगा, 4 से एंड होगा या 6 से एंड होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। अब करना क्या है, आखिरी के दो नंबर छोड़नी है, बचा 806। 806 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो 784 का है, 784 यानी कि यहां पर 28 का स्क्वायर, तो या तो 284 लेना होगा या तो 286 लेना होगा। इसके बीच में जो नंबर आता है वो आता है 285, तो एक बार 285 का स्क्वायर करके देख लीजिए कि नंबर ये जो है इससे बड़ा है कि छोटा है। तो 285 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 दिखा तो पहले 25 लिख देना है और आगे यहां पे क्या करना है, तो 28 × 29 करना है, करेक्ट। 28 का स्क्वायर प्लस 28 करना होगा, 28 × 29 करना है, तो क्या शॉर्ट ट्रिक है, आप 28 का स्क्वायर लीजिए जो कि होता है 784, इसमें 28 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 812 और यहां पे 25 आ जाएगा। अब आप खुद ही बताइए कि ये जो नंबर है 80656, ये नंबर तो इससे छोटा है, अगर ये नंबर छोटा है तो ये बड़ा वाला उत्तर कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 284, ठीक। तो मैंने दो केसेस यहां पे लिए, एक केस वो वाला जिसमें हमको बड़ा नंबर लेना पड़ रहा है, एक दूसरा केस जिसमें हमको छोटा नंबर लेना पड़ रहा है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले का वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है, जो भी आपका आंसर आ रहा है मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अगर यहां पे 1 आ रहा है तो सबसे पहली बात या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा, आखिरी के दो डिजिट छोड़ देना है। 396 देखते साथ आपके दिमाग में नंबर आना चाहिए 396 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, जो कि होता है 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, है ना, तो 361 आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी कि यहां पर नंबर या तो 191 होगा या तो 199 होगा। डिसाइड कैसे करना है, तो बीच की एक नंबर लेना होगा हमें, बीच का नंबर क्या 195 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर दिखा तो 5 दिखा तो मतलब 25 तो होगा ही, और आगे क्या करना है, तो 19 × 20 करना है, 19 × 20 करोगे तो आ जाएगा 380। तो बताइए भाई 38025 जो है, क्या ये नंबर जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा दिख रहा है, मतलब ये इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, आंसर आपका हो जाएगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर बड़ा है इससे, अगर नंबर बड़ा है मतलब यहां पर भी वैल्यू बड़ा होना चाहिए, 195 से बड़ा नंबर लोगे तो ये हो जाएगा 199, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, क्लियर है। एक एग्जांपल और यहां पे दिया हुआ है, आइए इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कहां पे नहीं आ रहा है। देखिए अब यहां पर 1 है, 1 देखते साथ हमने क्या किया, या तो 1 होगा या तो 9 होगा,
और आखिरी के दो नंबर छोड़ा तो बचा 82। 82 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 81, और किसका है तो 9 का है, मतलब यहां पर नंबर या तो 91 होगा या तो 99 होगा। करना क्या है, बीच का एक नंबर लीजिए 95। 95 का स्क्वायर क्या होगा, आगे 25 लिखना है और 9 में एक बड़ी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 में एक बड़ी नंबर क्या होती है, 10 होती है, तो 9025। जब 95 का परफेक्ट स्क्वायर, 95 का परफेक्ट स्क्वायर है 9025, 9025 है 95 का परफेक्ट स्क्वायर, और ये नंबर तो इससे छोटा है, 9025 से छोटा है, तो ये बताइए कि नंबर फिर बड़ा कैसे हो सकता है, नंबर छोटा होना पड़ेगा 91। ठीक, तो अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए मैंने यहां पर दो दो बार आपको समझाया कि कब हमको बड़ा नंबर लेना है दो केसेस लिए, कब हमें छोटा नंबर लेना है इसके भी दो केसेस। क्लियर, बात समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट कैसे डिसाइड करते हैं, तो वन एक एक यूनिट डिजिट का दो दो वैल्यूज पॉसिबल है, केवल 5 और 0 को छोड़ के, 5 का 5 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, लेकिन बाकी जो 4 नंबर हैं, यानी कि 1, 4, 6 या 9 में दो दो वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, 1 का 1 और 9, 4 का 2 और 8, 6 का 4 और 6 पॉसिबल होता है, 9 का 3 और 7 दोनों पॉसिबल होते हैं। इस तरीके से पहले यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे, आखिरी के दो डिजिट छुपाएंगे, बाकी जो बचा हुआ है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेकर आगे की कहानी चलेगी। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिए हुए हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 33489, 31329, 50625 एंड 6084। अब देखिए 5 वाला एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पे 5 दिखा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, 5 दिखा मतलब यूनिट डिजिट 5 होगा, आखिरी के दो डिजिट छोड़ना है। 506 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 22, 484, 484 किसका है तो 22 का है, तो आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, इतना ही करना है। इस 506 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर था 484 किसका था, तो 22 का था, इसलिए 225 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये 5 वाला केस जिसमें एक ही यूनिट डिजिट होता है तो वो तो आसान हो गया, बाकी केसेस में आपको चूज करना होता है, लेकिन इसमें 5 वाले में एक ही नंबर निकल गया। ठीक है, चलिए देखिए अब हम कुछ बात करते हैं कि कंडीशंस टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्गों का पहचान की शर्तें क्या क्या है। तो सबसे पहली शर्त है कि परफेक्ट स्क्वायर का जो एंडिंग होता है वो हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 या 0 में से होता है, लेकिन 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता, ये पहला पहचान है। दूसरा, लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज द सेम एज द लास्ट टू डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 24। ठीक, हिंदी में मैं डिक्टेट कर देता हूं कि कोई भी पूर्ण वर्ग हो उसके पूर्ण वर्ग की जो आखिरी के दो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 24 तक जो संख्याओं का पूर्ण वर्ग होता है उसके आखिरी के दो अंक के जैसा ही होता है। हिंदी वाले लिखेंगे कि कोई भी पूर्ण वर्ग की आखिरी के जो दो संख्याएं होती है, दो अंक होते हैं, वो 1 से लेकर 24 तक जब स्क्वायर करने पे जो आखिरी के दो अंक आ रहे हैं उन दोनों अंकों के जैसा ही होता है। ठीक, ये हो गया कुछ बातें कि पूर्ण वर्ग निकालने का या समझने का तरीका क्या है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, रिवर्स जो है वो गलत होगा। रिवर्स मतलब हर वो नंबर जिसके आखिरी में 49 आ रहा है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं। हर वो नंबर जो 1, 4, 5, 6, 9, 0 से खत्म हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, क्योंकि देखिए 6 आ रहा है तो मैं 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 26 भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। ये कुछ ऐसी प्री डिफाइंड तरीके कि ऐसा होना तो चाहिए कि 1, 4, 5, 6, 9, 0 होना चाहिए यूनिट, लेकिन हर वो नंबर जो इससे खत्म हो रहा है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये गलत है। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का या समझने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आपके ऑप्शंस। जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो हमारे सामने ऑप्शंस होती है, तो हमें चूज करना होता है कि बताइए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपके ऑप्शंस, अगर इंटीजर दिया हुआ है, होल नंबर दिया हुआ है, वहां पे आपका इरेशनल नंबर यानी कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं लगा हुआ है, तब हम मान जाएंगे कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। वहां पर हमने जो सीखा और ये जो सीखा है हमने स्क्वायर रूट, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम परफेक्ट क्यूब्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद रखिए,
सफिशियंट है एग्जाम के लिए। ठीक, अब एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौसठ, फाइव क्यूब 125, सिक्स क्यूब 216, सेवन क्यूब 343, एट क्यूब 512, नाइन क्यूब 729, टेन क्यूब जो है 1000 है, ग्यारह का क्यूब है 1331, 1728 होता है 12 का क्यूब, ठीक है 2197 होता है 13 का क्यूब 13 का घन, 2744 होता है 14 का घन, 15 क्यूब 3375, 16 क्यूब 4096, 17 क्यूब 4913 और 18 क्यूब है 5832, 19 क्यूब है 6859 और 20 का क्यूब है 8000। तो ये कुछ चीजें हैं, प्री रिक्विजिट चीजें जो हमें याद रहनी चाहिए, याद रहेगा तो हमारा जो है कैलकुलेशन एग्जाम में आसानी से होगा। ठीक, चलिए 21 का क्यूब से 30 के क्यूब तक भी आप याद रख सकते हैं, ये आपकी क्षमता है और आपकी कैपेसिटी है कि कितना आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं बाकी लोगों से। तो 30 तक का क्यूब भी अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपके फायदा होगा। चलिए अब यहां पे बहुत अच्छी चीज ये है कि जब हमें क्यूब रूट निकालना है परफेक्ट क्यूब का, पूर्ण घनों का जब घन निकालने की बारी आती है, घन मूल निकालने की बारी होती है, यहां पे घन मूल होगा, ये घन मूल, पूर्ण घनों का जब घन मूल निकालने की बारी आती है तो ये थोड़ा आसान होता है पूर्ण वर्गों के घन वर्ग मूल निकालने से। बात समझ में आ रही है, पूर्ण घनों का घन मूल निकालना पूर्ण वर्गों का वर्ग मूल निकालने से आसान होता है। मैं फिर से बताता हूं, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स निकालना इज इजियर देन कि आप स्क्वायर रूट निकालें परफेक्ट स्क्वायर का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर रूट में आपके दो दो केसेस निकलते थे, यहां पर आपका एक ही एक केस निकलता है, तो आपको कंपैरिजन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो नंबर सामने है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अगर नंबर परफेक्ट क्यूब है तो आप क्यूब रूट तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, समझिए, जो टेबल हमने बनाया था वही टेबल यहां पे भी मैंने बना के रखा है। अगर यहां पे 1 का क्यूब है तो इसका वैल्यू 1 आता है, अगर यहां पे 4 का क्यूब है तो यहां पर वैल्यू 4 आता है, केवल मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूं। 5 का क्यूब है तो 5 आता है, 6 का क्यूब है तो 6 आता है, और 9 के क्यूब में 9 आता है, 0 के क्यूब में यहां पे 0 आता है। ये जो 6 नंबर है 1, 4, 6, 5, 9 और 0 जिसका हम स्क्वायर्स में देख रहे थे कि केवल यही नंबर है जिसका स्क्वायर होता है, तो ये बहुत बेहतरीन नंबर है। ये नंबर अगर आपको दिख गया तो आपको एज इट इज रिपीट कर देना है, क्योंकि देखिए 1, 4, 5, 6, 9, 0 और कहीं दिख रहा है क्या आपको? बाकी नंबर्स में 8, 7, 3 और 2 है, यहां पर भी देखिए 1, 8, 7, यहां 3, 2 है, बाकी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 कॉन्स्टेंट है। कहने का मतलब अगर क्यूब रूट के अंदर घनमूल के अंदर इकाई अंक 1 है तो यहां भी 1 है, घनमूल के अंदर इकाई अंक अगर 4 है तो यहां भी 4 है, घनमूल के अंदर अगर इकाई अंक 5 है तो यहां पे भी 5 है, घनमूल के अंदर अगर इकाई अंक 6 है तो यहां पर भी 6 है, घनमूल के अंदर अगर यहां पे इकाई अंक 9 है तो यहां पे भी 9 है, घनमूल के अंदर इकाई अंक 0 है तो यहां पर भी 0 ही है। मतलब कि आपको केवल 4 अंक याद रखने हैं, और वो 4 अंक क्या क्या है, तो वो है 2837, आपको याद रखना है 2837। इस 2837 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है आपको ये याद नहीं रखना है, कोई भी और नंबर आ जाता है तो आपको एज इट इज यूनिट डिजिट रिपीट कर देना है, इकाई अंक आपको रिपीट कर देना है। ध्यान बस इतना दीजिए कि 2 जब आया तो आपका यूनिट डिजिट 8 होगा, 8 आया तो 2 होगा, 3 आया तो 7 होगा, 7 आया तो 3 होगा, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। बाकी चीजें इसके अलावा कोई भी डिजिट आ गया तो वो रिपीट हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर 2 का क्यूब हमने लिया तो 8 आया, और 8 का क्यूब हमने लिया तो यूनिट डिजिट यहां पे 2 आया, आप यहां भी देख सकते हैं 18 का क्यूब में यहां 8 था तो क्यूब करने के बाद यहां 2 बन गया, और यहां 2 था तो यहां पर 8 बन गया, मतलब 2 और 8 रिवर्स हो जाते हैं, 2 की जगह 8 आता है, 8 की जगह 2 आता है। सेम चीज आप देखिए 3 का क्यूब था तो यहां 7 हो गया, और यहां जब 7 का क्यूब था तो इधर यूनिट डिजिट 3 हो गया, इधर भी देखिए अगर 3 का क्यूब था तो यहां 7 और 7 का क्यूब था तो यहां पे 3 हो गया। मतलब कुल मिला के हमें 4 ही नंबर याद रखने हैं कि 2 के जगह पे 8 आ जाता है और 8 के जगह पे 2 आ जाता है जब हम वर्ग घनमूल निकालते हैं पूर्ण घनों का, 3 के जगह पे 7 आ जाता है और 7 के जगह पे 3 आ जाता है। इन 4 अंकों को बस याद करके रखिए,
इस चार अंकों के जगह 2837 के अलावा कोई भी नंबर आ गया 1456900 जो कि एक पूर्ण घन है, तो जब घन मूल निकालोगे तो एज इट इज इकाई का अंक रिपीट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और घन कैसे निकालना है, घन मूल कैसे निकालना है ये हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने देखा यहां पे 9, तो 9 का आपको 9 लिख देना है। जब हम वर्ग मूल निकाल रहे थे, ये घन मूल होगा ठीक, जब हम वर्ग मूल निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, दो दो डिजिट छोड़कर बाकी डिजिट से बाकी के संख्या निकाल रहे थे, लेकिन यहां हमें तीन तीन डिजिट छोड़ के बाकी के संख्या निकालनी है, तो आखिरी के तीन नंबर छोड़ देंगे। 969 छोड़ दिया हमने, 704 देखा, और 704 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये वाला है। 704 के ऊपर जाओगे तो 729 है, लेकिन इससे छोटा कौन सा है, तो 512। 512 किसका है, तो 8 का है, तो नंबर 89 होगा, मतलब ये जो नंबर था 89 का क्यूब था, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 89 है। आसान लग रहा है, इतना ही करना है जब क्यूब रूट निकालना होता है परफेक्ट क्यूब से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर अगर 7 दिखा तो 7 का मैंने कहा आपको 7 का 3 हो जाता है, आखिरी के तीन नंबर छोड़ देना है 897। 1442 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब जो है वो है 1331 का, क्योंकि 1441 कहीं यहां ना कहीं यहां पे आएगा, इससे छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब 1331 किसका है, तो 11 का है, तो ये 113 का क्यूब था, ये जो नंबर आपके अंदर यहां लगा हुआ था, परफेक्ट क्यूब है ये। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर अगर आपको 6 दिखा तो क्या करना है, 6 लिख देना है, आखिरी के तीन छोड़ देने हैं। 175 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब किसका है, तो वो है 125 जो कि है 5 का क्यूब। ठीक, तो 5 का क्यूब यानी पे यहां आपको यहां 56 लिख देना है। एक आखिरी एग्जांपल और, इसका आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। यहां पर अगर 2 आपको दिखा तो 2 का मतलब यहां पे 8 आएगा, आखिरी के दो नंबर तीनों नंबर आपको छोड़ना है। 21 जैसे ही दिखा, 21 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब किसका होता है, तो 8 है जो कि 2 का परफेक्ट क्यूब है, तो यहां पर आप लिख देंगे 28। तो आसान है, ज्यादा आसान है, जो स्क्वायर रूट में हमने देखा था जिसमें दो दो वैल्यूज निकल के आ रहे थे, यहां ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हर एक डिजिट का अपना एक अलग नंबर निकल के आता है, लेकिन स्क्वायर्स वाले केस में एक नंबर से दो दो इकाई के अंक निकलते हैं, इसलिए वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा आसान भी। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट निकालना है, पूर्ण घन दिए हैं तो घनमूल कैसे निकालना है, ये आप सीख गए होंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यूज है, इसको आप कमेंट सेक्शन पे जरूर इसका कमेंट करिएगा। 744 7414 875 2406 104 32768 और 912673 का आपको क्यूब रूट निकालना है। और मैं आशा करता हूं आप सभी से इन चारों संख्याओं का घन मूल जरूर निकलेगा, क्यूब रूट जरूर निकलेगा। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स यहां पे आपके स्क्रीन पर है, हो सकता है इसको आप यहां सॉल्व करिए या प्रैक्टिस शीट में भी आपको मिल जाएंगे सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इन सभी का स्क्वायर्स आपको निकालना है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। 87 119 48 106 41 और 83। इसके बाद आपको क्यूब रूट निकालना है, यहां पर अगेन 6 नंबर्स है। ठीक है, इन सभी 6 संख्याओं का आपको घन मूल निकालना है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं जो अभी हमने सीखा है उसमें से। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 18 × 8 × 12 है, तो इसका जब हमें क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात आप समझिए, ये जो 8 है ये एक परफेक्ट क्यूब है, 8 है एक परफेक्ट क्यूब, तो 8 जो परफेक्ट क्यूब है ये तो क्यूब रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट के बाहर इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, अंदर जो फंसे हुए हैं वो क्या क्या है, 18 है। क्या 18 को मैं 6 × 3 लिख सकता हूं कि नहीं, 18 को मैंने तोड़ के लिख दिया 6 × 3, ये 2 कैसे आया, तो 8 जो है इसका 2 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो घन मूल निकल के बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। 18 को मैंने 6 × 3 कर दिया, और ये 12 को मैं लिख देता हूं 6 × 2। तो देखिए इस घनमूल के अंदर कहीं ना कहीं 6 है, ये भी 6 है, और 3 × 2 भी 6 ही होता है, 6 × 6 और 3 × 2 जो है ये भी 6 होता है,
मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है घन मूल के अंदर, मतलब बाहर क्या आ जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 2 पहले से बाहर था मल्टीप्लाइड बाय ये 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर, इसका उत्तर हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो वैल्यूज दिया हुआ है 2401 का स्क्वायर रूट, 1225 का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है उसको निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर x है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। अब ये जो 2401 है, 2401 को देखते साथ क्या याद आता है, हमने जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीखा उसमें 25 वाले बेस के नंबर में आपको मैंने बताया था कि 25 से कोई नंबर छोटा है तो उतना माइनस करना पड़ता है और उसी डिफरेंस का स्क्वायर लेना पड़ता है। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो 1 का स्क्वायर है और ये नंबर 25 से 1 कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 49 का परफेक्ट स्क्वायर है ये जो नंबर अंदर दिया हुआ है, क्योंकि 49 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे कैसे निकलता है, बेस नंबर 25 में 1 माइनस करना और 1 का स्क्वायर निकालना, मतलब 2401 क्या हुआ तो 49 का स्क्वायर हुआ, मतलब यहां हम लिख देंगे 49। इस नंबर को देखते साथ 25 दिख रहा है तो 25 का मतलब यहां 5 का स्क्वायर आया होगा और आगे इस 12 को देखते साथ 3×4 के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये 35 का स्क्वायर हुआ होगा। तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 35 बाहर निकल के आएगा। 35 का स्क्वायर कैसे निकालना सीखा था, आगे 25 लिखना और यहां पे 3×4 करना, मतलब कुल मिला के 35 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 35 बचेगा, मतलब कुल मिला के स्क्वायर रूट के अंदर अगर x था तो x का वैल्यू आ गया 84 का। अब अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकालने पर 84 बन रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर कैसे निकाल लेते हैं, तो 84 बेस नंबर बन जाएगा, इसमें 16 माइनस करना होगा और 16 का स्क्वायर निकालना होगा। क्लियर, स्टेप समझ में आ गया। 16 का स्क्वायर क्या होता है तो 256 होता है, आगे हम लिखेंगे क्या तो 56 लिखेंगे, 56 2 को आगे भेज देंगे, 2 को आगे भेजोगे तो ये 86 बन जाएगा, 86 में से 16 गया तो बचा यहां पे 70, 7056 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर 2 डेसिमल लिखे हुए हैं और वैल्यू जब बाहर आप देख रहे हैं तो 1 डेसिमल के फॉर्म में है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहां डेसिमल लिखा तो 3969 बटा 100 यही है इसका मतलब, अगर मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डेसिमल हट जाएगा, नीचे एक 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, मतलब कि डिनोमिनेटर में तो एक 10 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये 10 ऐसे निकल जाएगा बाहर, मतलब ऊपर मुझे केवल 3969 का स्क्वायर रूट निकालना है। 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर 9 है तो वैल्यू या तो 3 होगा या तो 7 होगा, आखिरी के 2 डिजिट मैं छोड़ दूं तो 39 आ रहा है, 39 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो होता है सबसे बड़ा वो क्या होता है, तो वो 36 का होता है। 36 का मतलब यहां पे नंबर या तो 63 होगा या तो 67 होगा, बीच में एक नंबर ले लेते हैं 65, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो आगे 25 लिख देंगे और यहां पे 6×7 42 लिख देंगे, 4225 आया। अब देख के बताइए कि ये जो नंबर है 3969 क्या ये 4225 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है वैल्यू तो आंसर भी छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम हटा देते हैं और 63 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 63 आपका स्क्वायर रूट निकला डिवाइडेड बाय 10 है तो यहां पे 6.3 हमारा उत्तर होगा। क्लियर, ये जो स्टेप मैंने बताया आपको डेसिमल में जाने के लिए ये आपको केवल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया। आमतौर पर अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 डेसिमल है तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 डेसिमल होगा, जो चारों ऑप्शन में पहले से सेट था। तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट वाला टेक्निक हमने जो सीखा वो लगा लेना है और 1 डेसिमल लगाना है, मतलब डायरेक्टली आपको 3969 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, जो भी आएगा 6.63 आएगा, तो यहां पर 2 डेसिमल के बाद था तो हम यहां पे 1 डेसिमल की बात करें। क्यों लगाएंगे, तो वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि नीचे 100 आता है और 100 का स्क्वायर
रूट जब निकालोगे तो 10 आता है। तो इसलिए जितने यहां पर डेसिमल के बाद वैल्यू होते हैं बाहर निकालने के बाद उसका आधा हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए उत्तर क्या आएगा। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहां से सॉल्व करना शुरू करना होगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 है जो कि 10 होता है, 314 यहां पे लगा हुआ है और यहां पे 4207 लगा हुआ है और बीच में आपका यहां पे प्लस का साइन है। ठीक, तो 4207 में जब आगे इन दोनों को जोड़ोगे तो 324 बनेगा स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू हो जाएगा 18। मतलब कि देखिए अगर ये 4207 है इसमें जब मैं 18 जोड़ूंगा और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4225 बन जाएगा। देखते साथ समझ में आना चाहिए 42 कैसे बना है, तो 6 को 7 से गुणा करने से बना है और आगे 5 है मतलब 65 ही होगा। क्योंकि देखिए हमने यही सीख के रखा है कि 65 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो आगे 25 होता है और यहां पे 6 में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहां से बैक कैलकुलेट करिए कि 42 बना तो कैसे बना और 25 आया तो क्यों आया। तो अगर ये 4225 है तो 25 आया है 5 होने की वजह से और 42 बना है तो 6 × 7, तो उल्टा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक, एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि ये सारी स्टेप जो मैंने लिखा हुआ है, इतनी सारी स्टेप आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको मेंटल कैलकुलेशंस करने हैं किस तरीके से, तो वो समझ लेते हैं। आपको केवल माइंड में कैलकुलेट करना है कि यहां पर जो वैल्यू है ये 10 बन गया, 10 को इसमें जोड़ोगे तो 324 आएगा, है ना, और 324 का स्क्वायर रूट यानी 18 होता है। अब इस 18 को इसमें जोड़ोगे तो 4225 बनेगा और स्क्वायर रूट आएगा। तो इतना ही आपको चलाना है पेन एग्जाम में। यहां मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको बाकी चीजें बताई थी और इसका स्क्वायर रूट क्या है तो 65 हुआ है। क्लियर है, आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर है और ये उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर है जो मैंने आपको समझाया था, उसके ऊपर बेस्ड ये सवाल है। 106 का स्क्वायर 107 × 105, 108 × 104, ये प्लस में है, ये वाला माइनस में, −109 × 103। तो जब भी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करने जाओगे, काफी टाइम बर्बाद होगा। तो समझिए यहां पर कि इस समीकरण का मूल्य निकालना है, तो हमने जो सीखी है उन बातों में मैंने एक चीज बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला वाला नंबर तो सिंपल सा है, 1006 का स्क्वायर। माइनस करने के बाद इस वैल्यू को अगर आप देखें गौर से और इस वैल्यू को देखें तो ये कैसे बना, तो 1006 में प्लस 1 करने से बना, और ये कैसे बना है, तो ये बना है 1006 में माइनस का 1 करने से, मतलब a प्लस b इनटू a माइनस b। तो इस यहां से लेकर यहां तक हम देखेंगे तो 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे ही बना है प्लस। सेकेंड वाली चीज को हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1006 प्लस 2 और ये क्या है, ये है 1006 माइनस 2। तो ये आपको देखना होगा, समझना होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यानी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी के फॉर्म में दिया है तो ए क्या है और बी क्या है, ये हमें समझना होगा एक्सप्रेशन को देखकर, और कुछ ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो हमारे कैलकुलेशन में कट जाए। तो ये जो वैल्यू है बताइए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ठीक, आखिरी वाले में ये 1006 में 3 जोड़ने से बना तो ये 1003 में 3 माइनस करने से बना, मतलब माइनस के आगे यहां पर हम ऐसा लिख ही सकते थे 1006 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से तोड़ के लिख सकते। अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि ये 1006 प्लस में है और ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस में आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अगेन ये 1006 प्लस में है, माइनस के आगे ये वाला 1006 प्लस में आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। मतलब बचा तो क्या बचा, अंदर में जो बचे हुए वैल्यूज है उसको लिख लेते हैं। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 का स्क्वायर है मतलब माइनस का 4 आएगा। लास्ट में देख रहे हैं कि यहां माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस का 9 आएगा, 1 प्लस 9 10 हो गया, माइनस 4 करोगे तो यहां पे 6 आ जाएगा।
तो ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अगेन एक स्टेप मैंने यहां पे जो लिखा ये आपके एक्सप्लेनेशन के ही तौर पे था, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आप मेंटली कैलकुलेट करके यहां माइनस इंटू माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा वन, प्लस इंटू यहां माइनस का टू स्क्वायर आएगा तो ये माइनस चार हो जाएगा, माइनस इंटू यहां माइनस का थ्री स्क्वायर आएगा तो प्लस का नौ हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल मैंने लिया हुआ है थोड़ा हटके, ये सवाल है, इस सवाल में करना क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 365 61 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 6 5 6 1 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 365 61 में से किस संख्या को घटाया जाना चाहिए, यह हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर ये जो नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, लेकिन फिर भी हमसे सवाल कर रहा है। तो यहां इस तरीके के सवाल में ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है, और कहीं ना कहीं ये नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या घटाना चाहिए तब हमें हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, मतलब कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो ऐसे केस में हमें स्क्वायर रूट ऑफ मेथड निकालना है जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, कोई एक एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने बचपने में पढ़ा था। अगर मैं कोई 5 डिजिट नंबर ले लेता हूं 14637, ये नंबर मैंने यहां पे लिख दिया 14637, इसका हमें घन मूल वर्ग मूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते थे ये चीज को आप याद करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा डिवीजन जैसा है लेकिन पूरी तरह डिवीजन जैसा नहीं होता था। हम क्या करते थे, यहां पर दो दो डिजिट का पेयर बनाते थे और इस तरीके से यहां पे एक लाइन खींच के रखते थे, है ना। अब हम यहां पर जिस तरीके से लाइन बनाए उस लाइन के ऊपर हम ध्यान देते थे। जैसे यहां वन था तो वन से छोटा या वन के बराबर परफेक्ट स्क्वायर याद करते थे। तो जो वन से छोटा या वन के बराबर परफेक्ट स्क्वायर वन ही है तो हम यहां पर वन लिखेंगे और यहां भी वन। एक गुणे एक एक होता है, यहां पे एक लिख के इसको माइनस करते थे तो यहां पर आ जाता था जीरो। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, तो एक प्लस एक को जोड़कर आगे लिखते थे। एक और एक को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, एक प्लस एक हो जाएगा आपका दो। मतलब सेकेंड स्टेप में आपका जो डिवीजन है वो एक से नहीं होगा, दो से होगा। कैसे बना, तो एक प्लस एक को जोड़ने से। दूसरे स्टेप में जाओगे तो ये दोनों इकट्ठा नीचे आ जाता था, इकट्ठा नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 46। तो जीरो का तो कोई काम नहीं रहेगा, अब ये जीरो को हटा देते हैं। यहां पर अब हमारा डिवीजन जो है वो है 46 से। तो अब सेकेंड स्टेप में कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो हम यहां पर देखते थे कि 21 अगर 2 है तो 21 गुणे 1 करके देखते थे तो 21 आएगा। फिर हम देखते थे 22 गुणे 2 करने से कितना आ रहा है, तो 44 आ रहा है। फिर हम देखते थे अगर यहां 2 है तो 2 के आगे फिर 3 लगा के 3 से गुणा करके देखते थे तो 69 आ रहा है। मतलब ये बड़ा हो गया, मतलब यहां तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, अगला नंबर जो होगा वो 2 होगा। मतलब अब हमें 22 से डिवाइड करना है और यहां पे 2 आएगा तो 2 इंटू 22 करोगे तो 44 आएगा। इस तरीके से हम दूसरे संख्या को लिखते थे। ठीक है, याद आ रहा है कहीं ना कहीं, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, नहीं है तो लिख के रखिए, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। अब 46 में से 44 को घटाओगे तो यहां पर जो आएगा वैल्यू वो आएगा 2 का। अब इस 37 को इकट्ठा नीचे ले आएंगे तो 237 बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अब 22 से डिवाइड होगा, नहीं 22 से डिवाइड नहीं होगा, इस 22 में आपको ये 2 जोड़ना होगा। 2 प्लस 22 करोगे तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। तो लास्ट स्टेप में हमको 24 से डिवाइड करना होगा और 24 से डिवाइड करने का मतलब पहले हम क्या करेंगे, तो 24 ठीक है इंटू 24 में 1 मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 241 आएगा। तो जैसे ही मैं 1 लिख रहा हूं तो वो इस नंबर से बड़ा हो जा रहा है, मतलब अगला नंबर यहां पे आएगा तो 0 आएगा। मतलब हम 1 भी नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे तो माइनस का यहां पे 237 आ जाएगा। मतलब इस नंबर में 237 जो है वो ज्यादा है। अगर 237 में घटाऊंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा जो 120 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप लोग देख सकते हैं अगर मैं इस संख्या में से 237 घटा दूं, क्या संख्या मिला 14637, माइनस अगर मैं 237 करूं तो यहां पर 14400 आ रहा है जो कि किसका है, तो 120 का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं 120 का स्क्वायर। और आप देखेंगे ऊपर हमारा जो नंबर आया है वो 120 है।
अगर सवाल में ये पूछे कि इस संख्या में क्या और जोड़ा जाए, क्या और जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इस 120 से एक बड़ा नंबर लीजिए, 121 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। 121 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 21 का स्क्वायर ले लीजिए, इसका बेस नंबर 121 होगा, प्लस का 21 और आगे आपको 21 का स्क्वायर लिखना होगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, लिखेंगे 41 और 4 को आगे भेज देंगे। ये याद आ रहा है, 121 का स्क्वायर निकालना हम सीखे, 121 प्लस 21 करोगे तो 142 आएगा, 142 में 4 जोड़ोगे तो 146 आएगा। मतलब कि इस नंबर से बड़ा जो अगला परफेक्ट स्क्वायर है वो 14641 है। तो दो तरीके के सवाल बन सकते हैं, एक सवाल ये कि इस नंबर में क्या कम किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो उसका आंसर हो जाएगा 237 कम करना चाहिए। अगर इस नंबर में क्या और जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, 120 से एक बड़ा नंबर लेना होगा जो कि है 121। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 121 होगा। 121 का आपको स्क्वायर निकालना होगा 14641। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 4, मतलब इसमें अगर आप 4 जोड़ देंगे तो 14641 आएगा और आपका यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इस सवाल में इसी पैटर्न के सवाल को यहां पर मैंने लिया हुआ है, तो यहां पर इसको लेने का तरीका, लेने का मकसद यही था कि एक बार रिवाइज हो जाए कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ये हम याद कर सकें जो हो सकता है कि हम भूल चुके हों। अब आइए इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, 35, 36, 561, 36561 में से क्या नंबर को माइनस करना है कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो दो दो का पेयर ले लेते हैं, यहां पे 61, 65 और यहां पर एक ही नंबर बच गया, तो यहां एक नंबर से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 का है तो 1 × 1 1 होगा, माइनस करोगे तो 2 यहां पे आएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो यहां पे 2 बन जाएगा। अब ये 65 इकट्ठा नीचे आ जाएंगे, 65 इकट्ठा नीचे आएगा तो ये 2 यहां से बचा था और ये 65 इकट्ठा नीचे आ गया तो 265 बन गया। ठीक, अब बताइए 2 के आगे क्या लिखना चाहिए कि ये इसके लगभग 265 से छोटा हो। तो अगर मैं सपोज करता हूं कि 200 यहां पर अगर मैं कोई वैल्यू लिखूं, अगर मैं 29 लिखता हूं, सपोज करिए 29 × 9 करता हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लगभग उसी के आसपास है, 39 × 270 होता है तो लगभग यहीं पे आना चाहिए, 81 टाइम्स आएगा और 18 प्लस 8 करोगे तो 260 आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर 9 ही होना चाहिए और 29 × 9 करने पर, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 9, 29 × 9 करने पर यहां पर 261 आ रहा है, मतलब माइनस करोगे तो अब हमारा जो वैल्यू आएगा यहां पे आ जाएगा 4। अगला नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है वो 29 नहीं होगा, उसमें 9 जोड़ना होगा और ये बन जाएगा 38 से आपको डिवाइड करना होगा। अब 61 को इकट्ठा नीचे लाओगे तो 461 आ गया। अब यहां से समझने की कोशिश करिए कि यहां 38 है, तो अगर मैं 38 में अगर 1 भी जोड़ता हूं, 381 × 1 करता हूं तो 381 आएगा, ठीक है, जो कि 461 से कम था, ठीक है इतना। अगर मैं यहां पर 382 कर लूं तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा 4 और यहां पे आपका 76 आ जाएगा, 764 तो इससे बड़ा हो गया। तो जो ये नंबर जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको 1 में जाके रुक जाना है, यहां पे 1 आएगा और यहां पे 381 माइनस करने पर आपका 60 आ रहा है, सॉरी 80 आ रहा है, 80। तो इसका मतलब इस नंबर में 80 ज्यादा था, क्या था, तो 80 ज्यादा था, इस नंबर में 80 कम करोगे तो जो नंबर आएगा वो 191 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर जो है वो है सी ऑप्शन की 80 माइनस करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है स्क्वायर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये एक अलग तरीके का सवाल है। यहां पर n बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n निकालना है। तो देखिए यहां 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, n का वैल्यू स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कहीं ना कहीं जो है एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा यानी बीजगणित, ठीक है, बीजगणित, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके सिंप्लीफिकेशन में हो या जो भी हम पढ़ते हैं,
कैलकुलेशन रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है एलजेब्रा जो है इसमें भी, इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एलजेब्रा का एक फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला छुपा हुआ है उसको समझिए। आप लोग ने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एलजेब्रा के रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी आप इस फॉर्मूले को केवल लिख के रखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर तो है, क्या हमारे पास टू ए बी और बी स्क्वायर है? नहीं है। एक बहुत बेहतरीन नंबर होता है वन, वन का स्क्वायर जो होता है ये वन ही होता है, और वन में कोई भी दूसरा नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो आपको दिख रहा है, इस वैल्यू को मैं ऐसे तोड़ के लिखूं 1 2 3 4 5 + 1, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 है और ये जो 1 2 3 4 5 है, ये जुड़कर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो n है, इस n को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 करोगे तो 2 × 1 2 3 4 5 आएगा, और प्लस में ये वन बन जाएगा। बात समझ में आई? यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इस 1 2 3 4 5 6 को तोड़ दिया 1 2 3 4 5 प्लस वन में। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 दोनों को जोड़ने से बढ़िया है कि इसमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर ले ना, जैसे 3 + 3 करने से बढ़िया है 6 आता है, 3 में 2 गुना कर लो, सेम चीज है। वही चीज मैंने यहां पे किया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, ये ए स्क्वायर है, ये वन है, इसको मैं वन स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि वन स्क्वायर वन होता है, और ये 2ab के फॉर्म में क्योंकि इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू वही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है n के बराबर। हमें तो स्क्वायर रूट ऑफ n निकालना था, तो स्क्वायर रूट ऑफ n निकालना मतलब यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचेगा, तो 1 2 3 4 5 प्लस 1 बचेगा, यानी 1 2 3 4 5 सॉरी 3 4 6 हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन का वैल्यू। ठीक है, तो ए जो है इस सवाल का सही उत्तर है 1 2 3 4 5 6। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो एल्जेब्रा के साथ बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैं एल्जेब्रा को भी अच्छे से कवर करूंगा, लेकिन यहां पर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो भी एल्जेब्रा से बनते हैं। तो अभी तो मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है, ये सारे फॉर्मूलास हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के सवाल भी देखेंगे अलग से जब सिंप्लीफिकेशन चालू होगा आने वाले वीडियोस में। अब देखिए एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। यहां दिया हुआ है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन्स 11 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट हैव। यदि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में 11 अंक होते हैं तो संख्या के अंक कितने होंगे। अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम जब किसी भी एक डिजिट का स्क्वायर कर रहे थे, यानी 1 के स्क्वायर से लेकर 9 के स्क्वायर तक जब हम गए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 9 का स्क्वायर जो होता है ये 81 होता है। क्लियर? तो ये एक अंक के स्क्वायर करने पर एक अंक से लेकर 2 अंक तक के ही नंबर आ सकते हैं। 2 अंकों की जब स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर से चालू होगा और 99 के स्क्वायर तक जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 होता है। 99 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9801 होता है। बराबर? तो यहां पर एक चीज आपको देखनी होगी कि अगर यहां पर ऑड नंबर आ रहे हैं, विषम संख्याएं आ रही है, सपोज करिए कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में विषम संख्याओं के अंक है, जैसे यहां पर, तो अगर यहां पे विषम संख्या था तो यहां पर जो संख्या है उसको कैसे निकालेंगे, तो इस विषम संख्या में 1 जोड़ के बटा 2 कर लेंगे। तो अगर किसी संख्या के वर्ग में विषम संख्याओं के उतने अंक हैं तो उसमें 1 जोड़कर उसको पहले सम बना के आधा करेंगे तो आपके कितने अंक थे वो पता चल जाएंगे। जैसे यहां 1 अंक था, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 का आधा किए तो 1 है। यहां पर 3 अंक थे, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, 4 का आधा करोगे तो यहां पर 2 अंक है। और अगर किसी संख्या में सम संख्या है, सम संख्याओं के अंक है, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो यहां पर डायरेक्टली आपको एक्स बाय टू कर देना है, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो जिसका स्क्वायर हमने किया है। फिर से मैं रिपीट करता हूं,
अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में अगर एक्स नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर ये एक्स नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, तो ऑड के केस में क्या करना है, इसमें प्लस वन करके आधा कर लोगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो इसका डायरेक्ट आधा कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है जिसका स्क्वायर किया गया। अब समझिए, यहां पर दिया हुआ है इफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन्स 11 डिजिट्स देन हाउ मेनी नंबर्स विल द डिजिट है। यदि किसी संख्या इट विल हैव बोला है, यानी कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में अगर 11 अंक होते हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, तो 11 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब आपको क्या करना है, 11 में पहले जोड़ना है एक, 11 में क्या करना होगा, 11 में आपको एक जोड़ना होगा और दो से भाग देना होगा, मतलब यह बन जाएगा आपका 6। सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। एक और सवाल यहां पे दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन्स 18 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट हैव। यदि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में 18 अंक है तो कितने होंगे। अब 18 जो है, ये 18 एक इवन नंबर है, तो अब इसमें आपको प्लस करने की, प्लस एक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आधा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 9। सी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। तो कैलकुलेशन में अभी तक हमने जो देखा है उसमें हमने स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब्स, क्यूब रूट निकालना, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। इसके बाद एक और हथियार होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम, यानी कि बीजांक निकालना। डिजिटल सम यानी कि बीजांक निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। कई क्वेश्चंस जो है विदाउट कैलकुलेशन किए आप इसके जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल सम जो है बना कैसे, क्या होता है ये डिजिटल सम, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें हम समझते हैं कि डिजिटल सम का यूज करते हुए हमें कैसे अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है, कैसे हम टाइम कम कर सकते हैं एग्जाम में इसका यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि डिजिटल सम निकालते कैसे हैं, उसके पीछे का थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लेकिन पहले आप समझ के रखिए कि डिजिटल सम का मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से बात करता हूं, 34 का डिजिटल सम आपको निकालना है तो होता है 3 + 4 जो कि होता है कितना, 7 होता है। ये होता है डिजिटल सम का। अगर मैं 98 का डिजिटल सम निकालना चाहता हूं तो 9 + 8 करूंगा तो कितना होगा, यह हो जाएगा 17, और फिर 1 + 7 फिर से करना होगा तो ये हो जाएगा 8। मतलब कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, इसका डिजिटल सम निकालने का मतलब, बीज अंक निकालने का मतलब उस संख्या के डिजिट्स को तब तक जोड़ते रहना जब तक कि आपका यहां पर एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 7, 9, 2, 4, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, तो 7 + 9 + 2 + 4 करना है, जो कि कितना हो जाएगा, 7 + 9 करोगे 16 आएगा, 16 + 2 = 18, 18 + 4 करोगे तो 22 है। तो ये तो आपका एक टू डिजिट नंबर है 22। तो 22 में आपको फिर से एक बार 2 + 2 करना होगा तो आपका डिजिटल सम यहां पे 4 निकल के आएगा, ये आपका डिजिटल सम कहलाता है। तो ये जो डिजिटल सम है इसको निकालना क्यों आवश्यक है, कैसे हम इसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस पहले थोड़ा सा ये समझ तो आप गए ही हो गए कि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिजिटल सम का मतलब ये है कि आपके इस डिजिट्स को तब तक जोड़ते जाएं जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। इसका यूज कैसे होता है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये होता कैसे है, और जो चीजें हम यहां पर डिजिटल सम के जरिए करते हैं वो क्यों करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिजिटल सम जो बना है वो आपके रिमाइंडर थ्योरम से बना है, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, x1 x2 x3, जिसको हम d से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर सपोज करिए कि r1 r2 r3 आ रहा है रिस्पेक्टिवली, जब x1 x2 x3 को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः r1 r2 r3 आता है। मतलब समझिए इस स्टेटमेंट का कि अगर मैंने x1 को d से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल बच रहा है R1, यदि मैंने X2 को D से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल बच रहा है R2, यदि मैंने X3 को D से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल बच रहा है R3। क्लियर है, ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम।
यानी कि अगर हमारा ऐसे इस तरीके से रिमाइंडर्स बच रहे हैं, तो रिमाइंडर्स अगर ये बच रहे हैं तो जो ऑपरेशन आप इसमें करेंगे X1 X2 X3 में, उसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आता है उसमें रिमाइंडर में भी वही ऑपरेशंस होंगे। यानी कि अगर मैंने यहां पर X1 X2 X3 को सबको ऐड करके D से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। X1 प्लस X प्लस S3 करने के बाद अगर D से डिवाइड किया तो शेषफल क्या बचेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ही बचेगा। अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई करके फिर D से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में भी वही होगा कि सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा। यानी गुणनफल निकालना है तो रिमाइंडर्स में भी जो गुणनफल होगा वही उसका फाइनल गुणनफल होगा। ठीक, सेम चीज यहां पे जब हम माइनस कर रहे हैं X1 माइनस X2 माइनस X3 इस तरह से चल रहा है, तो रिमाइंडर में भी जब फाइनल रिमाइंडर आएगा वो R1 माइनस R2 माइनस R3 के ही बराबर होगा। इसी रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हम जाते हैं डिजिटल सम में। क्यों जाते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सपोज करिए अभी मैंने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया आपको उसको यहां पर समझ लेते हैं। पहले सपोज करिए कि मैं अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, 10 से, तो यहां पे रिमाइंडर 4 बचेगा। इसको 10 से डिवाइड करूं तो यहां पे रिमाइंडर 3 बचेगा। इसको 10 से डिवाइड करूं तो यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो 4 × 3 × 1 क्या आ गया, 12 आ गया। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता, रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। तो 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यही हो रहा है। तो अब इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 ही आएगा शेषफल, क्योंकि 80 तो कट जाएगा बाकी बचा हुआ 2 रहेगा। तो यहां पर भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहां पर भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। यहां पर भी देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं 10 से तो रिमाइंडर 4 आएगा, यहां पर डिवाइड करूं तो 3, यहां पर डिवाइड करूं तो 1 आएगा। इन तीनों को जोड़ने पर बन रहा है 8, और क्या राइट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 90 कट जाएगा, शेषफल 8 बचेगा, यहां पर भी 8 आ रहा है। सेम चीज तीसरे वाले में भी हो रहा है। देखिए यहां पर रिमाइंडर 4 है, यहां पर 1 है, यहां पे 3 है, माइनस करने पर रिमाइंडर यहां पे 0 आ रहा है। इसको भी अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कहीं ना कहीं पूरा कटेगा, शेषफल यहां पे 0 आएगा। तो रिमाइंडर जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है प्लस करने पर, माइनस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, वही रिमाइंडर आपके फाइनल आंसर में भी आता है, चाहे आप किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं, या किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम फॉलो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से डिजिटल सम का क्या संबंध है। डिजिटल सम से संबंध यह है कि 9 से जब हम डिवाइड करते हैं, डिजिटल सम जो है वो रिमाइंडर ऑफ अ नंबर होता है जब इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं। बीजांक क्या है, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। कैसे, समझिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 34 का डिजिटल सम हमने लिया तो कितना आया, 3 प्लस 4 करने पर कितना आया, तो आया 7। एक बार थोड़ा देखिए कि 34 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। 34 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 × 27 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, तो 7 बचा। तो देखिए क्या यहाँ पर डिजिटल सम जो आ रहा है और रिमाइंडर जो बच रहा है 7, दोनों सेम है कि नहीं 9 से विभाजित करने पर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं 983। इस 983 का डिजिटल सम निकालने जाओगे तो 9 प्लस 8 प्लस 3 आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 3 करने पर ये बन जाएगा आपका 17, 17 प्लस 3 करोगे तो बन जाएगा 20, 20 का डिजिटल सम मतलब कि 2 प्लस 0 करोगे तो यहां पर आपका डिजिटल सम फाइनली 2 आ रहा है। अब 983 से अगर मैं डिवाइड करूं इस नंबर को तो अगेन 1 टाइम जाएगा या 10 टाइम्स जाएगा 90 से, माइनस करोगे यहां पे 83 आ रहा है तो 9 टाइम्स जाएगा 81 से, कहीं ना कहीं यहां पर जो रिमाइंडर बचा वो 2 का बचा। तो देखिए यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल सम होता है वो रिमाइंडर ऑफ अ नंबर होता है जो कि 9 से डिवाइड करने पर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी समझते हैं। किसी भी नंबर को सपोज करिए कि एक 3 डिजिट नंबर है ABC, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं 372 एक नंबर है, इस 372 को तोड़ के लिख सकते हैं ना 300 प्लस 70 प्लस 2, इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है ABC, इस ABC को हम तोड़ के लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये जो 100 है, इस 100 में क्या मैं इसमें से एक A को अलग लिख के 99A को एक साथ लिख सकता हूं,
एक ए को मैं यहां लिख लेता हूं आगे, इस 10B में से एक 9B को एक साथ लिख लेते हैं और एक B को मैं आगे भेज देता हूं अलग से और लास्ट में सी लिख लेते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सारे नंबर है इसमें तो 9 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, 9 का मल्टीपल है, मतलब यहां पर आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, जब डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट जाना है। बचना क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी बचना है, जो कि इसके डिजिट्स है। क्या है? इसके डिजिट्स है, इसके अंक है, इसलिए डिजिटल सम वही होता है जो आपके अंक होते हैं उसको जोड़ने से जो वैल्यू आता है वही आपका डिजिटल सम होता है। क्लियर है? तो जो चीज हमने सीखा कि रिमाइंडर थ्योरम में कि रिमाइंडर्स के साथ आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी आपका सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो क्या ये 9 से भी पॉसिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 9 भी तो एक डिजिट है, इसलिए 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है जिसको हम डिजिटल सम के नाम से जानते हैं, वो डिजिटल सम में भी चीजें फॉलो होगी। यानी डिजिटल सम में अगर इस 372 का जो डिजिटल सम आया क्या आएगा, 3 आएगा। इस 3 को अगर हम किसी और वैल्यू के डिजिटल सम से मल्टीप्लाई करके फाइनली जो डिजिटल सम आया वो दोनों बराबर होना चाहिए, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप माइनस कर रहे हैं, चाहे आप प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ राइट हैंड साइड, ये होना चाहिए। जैसे कि 25 और 23 है, तो 25 का डिजिटल सम 7 है, 23 का डिजिटल सम 5, 5 × 3 करोगे तो 35 आएगा, 35 का डिजिटल सम 8 है। यहां पर भी देखिए 5 + 5 + 7 कितना हो गया, तो 17 हो गया, 17 का डिजिटल सम 8 आ गया, तो यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। मल्टीप्लीकेशन में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या है, जो 9 से रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर थ्योरम तो फॉलो होता है, इसलिए डिजिटल सम में भी फॉलो होगा, क्योंकि डिजिटल सम क्या है, तो रिमाइंडर फ्रॉम 9 का रिमाइंडर। अब देखिए यहां पर 88 है, 88 मतलब 16 बन गया डिजिटल सम, यानी कि 7 आ गया अल्टीमेटली। यहां पर आपका डिजिटल सम 5 + 6 = 11 + 11 है, तो 1 + 1 करोगे 2 डिजिटल सम, यहां 3 + 2 करोगे तो 5 डिजिटल सम, इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, दोनों सेम है। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल यहां पर है, 3 + 0, 3 + 0 का डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम क्या है, 3 है। यहां पर भी देखोगे तो यहां पर कितना है, 5 + 6 यानी 2 है, और 2 - 2 + 6 करोगे तो माइनस का 8 आएगा, दोनों को माइनस करने पर -6 बन रहा है। डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें आपको एक बार और 9 जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है, जिसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम 3 लिख देंगे, इसको हम C9 मेथड से भी जानते हैं, डिजिटल सम मेथड को C9 मेथड से भी बुलाया जाता है। ठीक, क्योंकि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां से समझिए कि ये तो हो गई कुछ मल्टीप्लीकेशन की बातें, अब अगर हमें डिवीजन करना है तब डिवीजन कैसे होता है ये भी समझ के रखिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है, बच्चे फंसते कहां है, डिवीजन में फंसते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल समझिए, यहां पर x गुणे 7 बराबर इतना है, तो x का वैल्यू क्या निकालना है, आप सब लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 7 से काटोगे तो 3 टाइम जाएगा 31 से, फिर 35 आएगा, 35 इसका आंसर होना चाहिए, ये सब आप लोग जानते हैं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, मेरा मोटिव है कि मैं आपको यहां पर डिजिटल सम समझाने की कोशिश करूं। तो देखिए x का डिजिटल सम कैसे आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 245/7, ऐसे ही आएगा। अब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो इस नंबर में कुछ ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बन जाए। जैसे 7 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल यहां से 4 नहीं, ऊपर में भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 × 4 क्या बनता है, 7 × 4 बन जाता है 28, और 28 का डिजिटल सम निकालोगे तो 2 + 8 आएगा जो कि होता है 10, और 10 का डिजिटल सम निकालोगे तो 1 आएगा। तो हमारा अल्टीमेटली मोटिव ये होता है कि डिवीजन में नीचे में जो वैल्यू आ रहा है उसके डिजिटल सम को हम 1 बनाए, तो 7 में 4 मल्टीप्लाई करने से होता है, तो 4 नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। तो समझ में आया कि हमने यहां पर 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर का डिजिटल सम हमें 1 बनाना था, तो नीचे वाले का डिजिटल सम तो हो गया 1, ऊपर का डिजिटल सम बताइए, ये 4 + 5 = 9 होता है, प्लस 1 करोगे तो 11, फिर 2 डिजिटल सम आएगा, 2 × 4 करोगे तो यहां पर डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ऑप्शन वो सही होगा जिसमें डिजिटल सम x का 8 आ रहा है, x का डिजिटल सम जिसमें 8 आ रहा है। 1 + 5 यहां डिजिटल सम 6 है, गलत हो जाएगा, 2 + 5 यहां पे डिजिटल सम 7 है, गलत हो जाएगा,
3 + 5 यहाँ डिजिटल सम 8 है, ये सही होगा। 4 + 5 यहाँ पे डिजिटल सम 9 है, ये भी गलत होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है जिसमें डिजिटल सम आपका बैठ रहा है। ये मेथड हमको फॉलो करना है कब, जब डिवीजन से डिवीजन का हमको यहाँ पर किसी का सॉल्यूशन निकालना है, तो ये हमको करना होगा कि मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर जो है उसको हम एक के डिजिटल सम में लेकर आए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, तो 4 से होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 28 बनता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर 4 आ गया तो भी मल्टीप्लाई 7 से होगा, यहां पर भी 28 आएगा। इन दोनों का डिजिटल सम एक होता है। 2 आए तो 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 आए तो 2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों का वैल्यू होता है 10 और 10 का डिजिटल सम होता है 1। 8 आए तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 64 बनता है। 64 मतलब 6 + 4 10 होगा। ये सभी नंबर का डिजिटल सम होता है 1। तो अगर हमें 7 से डिवाइड करना था तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ये मैंने बता दिया था। अगर 4 आया तो 7 से मल्टीप्लाई करना, 2 की जगह 5, 5 की जगह 2, और 8 की जगह आया तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इस टेबल में दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी सी बातें जिससे हमारा जो डिजिटल सम का जो कैलकुलेशन है बहुत तेजी से हम कर सके। फॉर एडिशन पर्पस वी कैन टेक डिजिटल सम ऑफ 9 एज डिजिटल सम ऑफ 0। जब हम बीजांकों के योगफल ज्ञात करते हैं तो इस प्रक्रिया में 9 के बीजांक को शून्य का बीजांक जो है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए मुझे 91 का डिजिटल सम निकालना है, तो 9 + 1 होता है, ठीक है, 9 + 1 करोगे 10 आएगा, फिर 1 + 0 करोगे तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो डिजिटल सम, अगर 9 को मैं यहां से हटा ही देता तो डिजिटल सम 1 ही आ जाता। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 7 2 3 6 5 का डिजिटल सम हमें निकालना है, तो 7 + 2 9 3 + 2 9 + 9 18 + 5 करोगे तो 23 आएगा। 23 में 2 + 5 करोगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। आप देखिए यहां 7 और 2 कितना था, 9 था, इसको हटा दीजिए। 3 + 6 कितना था, 9 था, इसको भी हटा दीजिए, बचा क्या, 5 बचा, तो डिजिटल सम 5 आएगा। एडिशन के पर्पस में जो 0 होता है उसका डिजिटल सम जो है वो 9 के बराबर होता है, 9 का डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। और अगर कहीं पे डिजिटल सम माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उसमें फिर से एक बार 9 जोड़कर हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई कि डिजिटल सम ऑफ 9 डिजिटल सम ऑफ 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब डिजिटल सम ऑफ अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9, जब किसी ऐसे अंक से गुणा हो रहा है जब बीजांक 9 हो, जैसे कि अगर मैं 9 × 3 करता हूं तो कितना आता है, तो 27 आता है। अगर मैं 2 + 7 करूं तो डिजिटल सम आया 9। अगर मैं 9 × 25 करूं तो इसका वैल्यू होता है 225 का डिजिटल सम निकालोगे तो 2 + 2 + 5 आएगा, और 2 + 2 + 5 करने पे फिर से 9 आ रहा है। अगर मैं 9 × 12 या 11 करते हैं तो इसका वैल्यू 99 होता है। 99 में 9 + 9 करोगे तो 18 आएगा। 18 का डिजिटल सम निकालोगे 1 + 8 तो फिर से क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब कि समझिए कि अगर डिजिटल सम करते वक्त कभी भी हम 9 से मल्टीप्लाई करने वाला किसी भी नंबर आ गया जिसका डिजिटल सम 9 है, तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट का जो डिजिटल सम आएगा वो 9 ही आएगा। ये अगली बात हो गई कि डिजिटल सम से जब, यानी कि बीजांक से जब किसी ऐसे अंक का बीजांक 9 आ गया गुणनफल में, तो पूरे के पूरे गुणनफल का जो बीजांक होगा वो 9 हो जाएगा। ये फिर से हमारे कैलकुलेशन को और फास्ट करेगा अगर हम इसको यूज करें कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीजांक कैलकुलेट मत करिए, वहां पे आपका बीजांक 9 ही आना है। क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरी इतना ही है, क्यों होता है, कैसे होता है, C9 मेथड यानी कि डिजिटल सम मेथड ऐसा क्यों है, ये मैंने बता दिया। अब सवाल को जब लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर 4 और 5 है, इसको हटा सकते हैं, 9 है, 1 + 2 + 3 6 होता है, तो यहां डिजिटल सम 6 लिखेंगे। ठीक है, 9 हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इस 7
और इस सात को पांच और छह, सात पांच छह को जोड़ोगे तो 18 आएगा, 18 का डिजिटल सम यानी 9 फिर से आ गया, बचा 8, तो यहाँ डिजिटल सम 8 होगा। 3 6 को हटा देते हैं 9 होता है, 9 हटा देते हैं ये भी हट गया, 8 प्लस 4 12 होता है, 3 आएगा डिजिटल सम, माइनस का 3 लिख लेते हैं, ठीक। 9 हटा देते हैं यहां पर, 5 4 9 होता है, इसको भी हटा देते हैं, बचा 8। अब बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा, ठीक। 8 माइनस 3 करोगे, यहां पे 5 आ गया, 5 में इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा, 11 प्लस 8 करना है, 11 मतलब इसका वैल्यू 2 होगा, डिजिटल सम 2 प्लस 8 मतलब 10, यहाँ पे एक डिजिटल सम आ रहा है, तो आंसर वो सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 है। अब इसका डिजिटल सम कितना है, 7 1 और 1 हटा दो 9 होता है 6, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक, पहला आंसर नहीं होगा। 2 1 8 हटाओगे, यहां पर आपका डिजिटल सम जो है 1 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 9 9 4 इसका डिजिटल सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 1 8 यहां पर आपका 8 आ रहा है, ये भी डिजिटल सम नहीं होगा, केवल बी ऑप्शन जो है जिसका डिजिटल सम 1 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं फटाफट, और यही प्रक्रिया को हम यूज करेंगे डिजिटल सम वाले कैलकुलेशन में। कुछ और क्वेश्चंस में ले लेता हूं यहां पर, जिससे आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है और फास्ट हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहां पर, देखिए 789 है, यहां पर ये 1 बन जाएगा, 8 और 1 तो 9 होता है, इसको हटा सकते हैं, इस 9 को हटा देते हैं, 7 और 8 हो गया 15, यहां पे 6 आएगा, मतलब 6 हो गया, प्लस यहां से देखिए 5 8, यहां पे डिजिटल सम इसका 1 आ रहा है, इसको हटा लेते हैं, 5 और 6 यानी कि 11, 11 का मतलब 2, 2 से फिर 8 आया, मतलब 1 आ रहा है फिर से डिजिटल सम, तो 1 into 1 माइनस यहां से 254, ये तो 9 बन गया, 369 ये भी 9 है, मतलब इसका पूरा डिजिटल सम 9 है। आगे 9 को हम 0 भी ले सकते हैं, तो इसको मैं 0 मान लेता हूं, इसका डिजिटल सम मतलब टोटल डिजिटल सम हमारा 7 आ रहा है, तो ऑप्शन वो सही होगा जिसमें डिजिटल सम 7 आए, ठीक है। तो 4 5 हटा देते हैं, 2 और 7 को भी हटा देते हैं, 9 होता है, बचा यहां पे 7, यही आंसर हो सकता है, ठीक। 5 और 5 5 10 हो गया, 10 1 11 11 7 18, 18 को हमने हटा दिया, ये 6 है, आंसर गलत, ये नहीं होगा। 4 5 इसके बाद यहां पर आपका 2 डिजिटल सम बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 यहां से हटा दिया, 3 6 हटा दिया, बाकी बचा यहां पर 18, तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 वाला ऑप्शन जो है एक ही है, ए होगा इस सवाल का उत्तर। बात समझ में आ गई कैसे हमें सॉल्व करना है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 783 का स्क्वायर और 342 का स्क्वायर। तो 342 को जोड़ोगे तो ये तो 9 होता है, 3 प्लस 4 प्लस 3 3 प्लस 4 2 9 होता है, तो इसका डिजिटल सम 0, ये भी 8 है, 18 बन रहा है, 9 0, मतलब कि डिजिटल सम वो सही होगा जिसमें 9 आए या 0 आए, क्योंकि 0 का डिजिटल सम 9 के बराबर होता है और 9 का डिजिटल सम 0 के बराबर होता है, तो आंसर वो सही होगा जिसमें 0 बन रहा है। 8 और 1 9 हटा देते हैं, 9 9 ये भी हटा देते हैं, 5 है, ये आंसर नहीं होगा। 7 2 9 होता है, 1 8 9 होता है, ये 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 3 1 होता है, 1 प्लस 5 6 प्लस 9 ये हो सकता है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। लास्ट वाले में देखते हैं, 5 4 5 हट जाएगा, 9 6 3 हट जाएगा, 9 ये बन गया 12, 3 डिजिटल सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 9 वाला डिजिटल सम केवल सी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हमें डिजिटल सम यूज करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53% ऑफ 756, 37% ऑफ 459, और यहां पे कुछ वैल्यू दिया। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और 100 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं लिखूं 2.568, तो 2.568 का मतलब क्या हो गया, 25 2568/1000, यही हो गया। तो डिवाइड जब कर रहे हो 1000 से, तो इसका डिजिटल सम भी तो 1 ही है, मतलब अगर परसेंटेज आ गया या कोई डेसिमल वैल्यू आ गई, तो उसमें डिविजन जो होता है उसका डिजिटल सम 1 ही होता है। कहने का मतलब ये कि अगर डेसिमल आ गया किसी कैलकुलेशन में या परसेंटेज आ गया किसी कैलकुलेशन में, तो उस कैलकुलेशन में हमें कोई टेंशन नहीं लेना है परसेंटेज और डेसिमल का, एज इट इज जो डिजिट्स दिख रहे हैं, जो अंक दिख रहे हैं उस संख्या के, उसको एज इट इज हमें यूज करना है, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, चाहे एडिशन हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें हमको एज इट इज नंबर ले लेना है, डेसिमल को भुला के मानना ही नहीं है कि हाँ डेसिमल या परसेंटेज है, एज इट इज आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपका निकल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी डिवाइड बाय डिजिटल सम 1, डेसिमल का मतलब भी डिवाइड बाय डिजिटल सम ऑफ अ नंबर जो कि 1 है,
ठीक है। तो इसलिए हमें परसेंटेज और डेसिमल में कभी भी डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखिए, इसका डिजिटल सम 8 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 + 6 करोगे 11 आएगा, मतलब 2 + 7 मतलब इसका तो डिजिटल सम 9 हो गया, मतलब पूरे का डिजिटल सम यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब 0 आप ले सकते हो इसको। +37 मतलब 10, 1 आएगा, 4 5 और 9 + 9 मतलब इसका भी डिजिटल सम 0 है, मतलब ऑप्शन वो सही होगा जिसमें डिजिटल सम या तो 0 बन रहा है या इसको हम 9 भी लिख सकते हैं, 9 और 0 सेम होता है। तो 5 4 9 हट गया, 6 और 7, 6 और 1 7 होता है, ये आंसर गलत है। 9 यहाँ पे 13 आ रहा है तो 4 डिजिटल सम, ये भी गलत है। 9 3 6 अगेन 9 तो यहाँ पर 6 बन रहा है डिजिटल सम, ये भी गलत है, तो आंसर यही सही होगा। 5 + 5 10 यानी 1 + 1 करोगे 2 + 9 करोगे तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, ये सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हमको डिजिटल सम यूज करना है जब परसेंटेज या डेसिमल आ जाए तब। नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, 276 ठीक है, -259 डिवाइडेड बाय 37, माइनस ऑफ यहां पे कुछ वैल्यूज है इनटू 8 है और यहां पे 237 वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा x है, क्या है x, x इनटू 8 है यहां पे। अब देखिए जो 259 है, -259 डिवाइडेड बाय 37 माइनस यहां पे 276 है ना, और यहां पे आपका 237, ये ऐसे कुछ चल रहा है। तो अगर 237 यहां पे राइट हैंड साइड में है, क्या मैं इसको यहां पे भेजकर इस 237 को यहां ला सकता हूं? ऐसा कर सकते हैं ना, इसको वहां भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा और ये यहां पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि माइनस ऑफ 237 इज इक्वल टू 8x कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या चल रहा है, तो इसका डिजिटल सम 2 7 हटेगा तो 9 6 बचेगा यहां पे, -37 का डिजिटल सम तो 1 होता है, 9 हट गया तो 2 5 माइनस का 7 आ गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखोगे तो 2 7 मतलब माइनस का 3 आ रहा है, इज इक्वल टू 8x है। अब ये बताइए कि यहाँ पर आपका जो डिजिटल सम आ रहा है वो आ रहा है 6 - 10 का यानी -4 का और डिवाइडेड बाय आपका 8 है, 8x था ना, तो 8x का मैंने 8 को नीचे भेज दिया। डिजिटल सम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो पहले तो आप समझिए कि अगर ये 8x है इसको पहले आपको लाना होगा पॉजिटिव नंबर में, तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैंने बताया 9 जोड़ना पड़ता है, 9 जोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगा 5 के, मतलब कि 8x का डिजिटल सम जो है वो 5 के बराबर है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि x बराबर जो है, x बराबर है 5/8, तो 8 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे वाला तो बन जाएगा 64, इसका डिजिटल सम 1 हो गया। 8 जब नीचे आता है तो क्या करना पड़ता है, 8 में 8 ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 64 आएगा, 64 का डिजिटल सम 1 है, तो 4 × 8 आ गया 40, मतलब आंसर वो सही होगा जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो 4 जो है इस सवाल का सही उत्तर है। हालांकि आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो भी फटाफट सॉल्व हो जाएगा, मेरा पर्पस यहाँ पे आपको था कि डिविजन को मैं और अच्छे से समझाऊं, बट ये जो सवाल है थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा विदाउट डिजिटल सम ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1.32 मतलब 6, 2.31 मतलब 6, 6 × 6 होता है 36, 36 का मतलब डिजिटल सम 9, मतलब यहां तक का डिजिटल सम पूरा का पूरा 0 है। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो यहां पर x जो हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाइड में देखोगे तो 2.45 है, तो 4 5 अगेन 9 होता है, इसको हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं 2x, माइनस में यहां से 3 6 को हटा सकते हैं क्योंकि 3 6 9 होता है, इस 9 और इस 9 को 4 4.5 9 है, तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा, इसको 0 ले देते हैं। आगे देखोगे तो ये 9 और 9 हट गया, 3 + 3 होता है, 6 + 5 करोगे 11, तो यहां पे 2 आएगा, 2 × 2 करोगे तो ये 4 बन जाएगा, तो 2x वैल्यू है 4, तो x बराबर हो जाएगा 2, मतलब डिजिटल सम वो सही होगा ऑप्शन जिसका 2 निकल रहा है। अब बताइए 2 किस में आ रहा है, अगर मैं यहां से देखूं तो 5 + 6 11 आएगा, 11 मतलब 2, 2 यहां पे जोड़ोगे तो 9 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 + 5 12 होता है, 12 में इसको जोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं 20 बनेगा, तो 2 इसका बन रहा है, तो ये सही हो सकता है। अगेन इसमें देखोगे तो 12 12 + 17 करो 7 करोगे तो 19 आएगा, यानी एक डिजिटल सम ये नहीं हो सकता, इसका 8 आ रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, 2 वाला ऑप्शन केवल ये है, 7.58 ही आपका उत्तर होगा इस सवाल में।
क्लियर है कैसे हमें डिवीजन में यूज करना है डिजिटल सम, आपको समझ में आने लगा होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पर 2x बराबर जो है वो 4 था, तो x बराबर हो जाएगा 4/2। इन केस ये नहीं कटता तब, यहां तो कट गया था। तो अगर 2 से डिवीजन हो रहा है तो मैंने बताया आपको क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं यहां से 5 मल्टीप्लाई करूं, यहां पे 5 मल्टीप्लाई करूं, तो नीचे वाला क्या बन गया, 10 बन गया। 10 मतलब डिजिटल सम 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर का कोई टेंशन हमें नहीं है, न्यूमरेटर की बात करें तो 20 आ रहा है, मतलब कुल मिला के एक्स का डिजिटल सम 2 आ रहा था। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, ये कहां यूज होगा, ये राइट हैंड साइड में मैंने जो सॉल्व किया है ये वहां यूज होगा जब ये 2 पूरी तरह से यहां वाले वैल्यू को ना काटे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखेंगे। यहां पर आपका x है तो इसको x लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 5 करोगे तो 8x बनेगा। ठीक है, 9 हटा देते हैं तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, 5 प्लस 6 करोगे 11, मतलब 2 आ रहा है, मतलब ये बन जाएगा 4। माइनस 25% मतलब 7 है यहां पे, 2 प्लस 2 प्लस 4 करोगे तो 8 बन जाएगा, तो ये 56 बन रहा है वैल्यू। 56 का मतलब 11, मतलब यहां पे 2 आ रहा है। आगे देखते हैं तो देखिए 1 और 8, फिर ये 9 हट जाएगा, 4 प्लस 6 मतलब 10, 1 है, फिर से 18 बन रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा 9 बना हुआ है राइट हैंड साइड में, क्योंकि 9 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 ही आता है। अब देखिए ये 8x हो गया, प्लस का 2 है और यहां पे आपका 9 है, इस 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 8x बराबर 7 है, x बराबर है 7/8। तो अब बताइए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 8 जब भी दिखता है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ता है ऊपर नीचे, ताकि नीचे वाला वैल्यू 64 आएगा, मतलब नीचे का जो डिजिटल सम है वो बन जाएगा 1। 8 8 64 64 का डिजिटल सम 1 बन गया। 7 इंटू 8 होता है 56, 56 का डिजिटल सम 11 आएगा, यानी कि 2 बन जाएगा। तो आंसर वो सही है जिसमें डिजिटल सम आपका 2 बन रहा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे हम डिवीजन वाले केस में डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, 8 को नीचे लाना है और इस तरीके का नंबर मल्टीप्लाई करना है जो यहां पर 1 डिजिटल सम दे। तो ये बात मैंने आपको पहले टेबल के जरिए सिखाया हुआ है ना। 5 और 2 हटेगा, देखते हैं कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है। 5 और 4 हटेगा तो 2 आ रहा है, यहां पर यही आंसर होना चाहिए। ये तो 7 दे रहा है, नहीं होगा। ये 8 दे रहा है, नहीं होगा। ये 1 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 का डिजिटल सम केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वैल्यू हमें निकालना है राइट हैंड साइड में जो है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप डिवाइड कर रहे हैं 11835 को 263 से, और इधर देखेंगे तो 35% ऑफ है 463। तो ये तो सिंपल सी बात है, 463 हो या 436 हो। ठीक है, तो इसमें जब डिवीजन हो रहा था तो नीचे 2 आ रहा था, अब यहां देखोगे तो 1 और 8 तो हट गया, बचा 135। 135 का मतलब ऊपर 9 है, नीचे 2 है। तो नीचे 2 होने का मतलब क्या है कि आपको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो पूरा अल्टीमेटली 9 ही बनेगा, मतलब इसका पूरा डिजिटल सम 9 है। 9 का मतलब यहां के वैल्यू को आप जोड़ो ना जोड़ो बात एक ही है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि यहां पे डिजिटल सम 9 आ रहा है। 9 में कुछ भी डिवाइड करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आएगा, मतलब कुल मिला के यहां का जो वैल्यू है उसका डिजिटल सम बन जाएगा 0। इसका डिजिटल सम क्या बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा। ठीक, प्लस सेकेंड वाले वैल्यू की बात करते हैं तो ये 35% है, मतलब 8 हो जाएगा ये, और 436 है तो 3 और 6 तो 9 होता है। 8 × 4 क्या होता है, तो 32 होता है। 32 का मतलब डिजिटल सम यहाँ पे 5 आ जाएगा, 32 होगा ये। 32 मतलब 3 प्लस 2 करोगे तो 5 आएगा डिजिटल सम। ठीक, तो देखते हैं 5 किस में आ रहा है। ये 27 गया, यहाँ पर तो 8 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 19 यहाँ पे हट जाएगा और ये 14 आ रहा है, तो 5 ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, 5 डिजिटल सम दे रहा है ये। नेक्स्ट देखोगे तो ये 1 और 8 गया 9, ये तो 2 दे रहा है डिजिटल सम, ये भी गलत है। ये 4 दे रहा है, ये भी गलत है। तो 5 वाला ऑप्शन केवल बी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 25 का मतलब यहां पे 7 का डिजिटल सम होगा 7, और यहां पे 3 2 है तो 3 और 6 तो हो गया 9, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 6 है तो ये 42 होगा। 4
सेवन सिक्स 42, मतलब प्लस के पहले हमारा जो डिजिटल सम है वो है 6। परसेंटेज ऑफ मतलब इसको हम एक्स मान लेते हैं, आगे देखोगे तो 4 और 5 है जो कि होता है 9, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2 + 3 मतलब कि 5 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स का, जिसका डिजिटल सम ऑप्शन में दिया होगा। अब देखिए 27 यहां पे गया, 9 गया, तो इसका टोटल वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब 5x बराबर जो है यह 3 - 6 जो कि हो जाएगा माइनस का 3। डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए प्लस 9 हमें करना होगा जो कि हो जाएगा 6, मतलब इसका डिजिटल सम 6 है। किसका? 5x बराबर 6, मतलब x बराबर क्या होगा तो 6/5 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मुझे नीचे का डिनोमिनेटर जो है उसका डिजिटल सम 1 करना है। अब ये बन जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 1 का डिजिटल सम, 12 का मतलब ऊपर का जो डिजिटल सम है 3 आ गया, तो ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 3 का डिजिटल सम बन रहा है। तो आइए चेक करते हैं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 का डिजिटल सम है, ये 7 है, ये 8 है, ये 40 4 देगा, नहीं होगा, बी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हालांकि ये जो सवाल है ये एल्जेब्रा का है और एल्जेब्रा के अंदर एक आइडेंटिटी होती है जिससे ये सवाल बना, लेकिन हमें जो निकालना है वो अगर एक्स है तो ये ऑप्शन है, यानी ये सारे जो होगा ऑप्शन है जो हमें निकालना है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो पहले स्क्वायर रूट के अंदर क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। 3 + 6 9 हो गया ये, और 9 में कितनी भी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जाए 7 307 308 ये सारा चीज जो है डिजिटल सम 9 देता है, मतलब प्लस के पहले जो डिजिटल सम है वो 0 है, प्लस का 1 है और ये स्क्वायर रूट है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो हमारा जो डिजिटल सम आ रहा है वो आ रहा है 1 का। तो ऑप्शन वो सही होगा जिसके डिजिटल सम का स्क्वायर करने के बाद 1 डिजिटल सम आए, क्लियर, क्योंकि यहां पर हमें स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है, तो जो ऑप्शन आ गया उसको हमें क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया वो हमारा डिजिटल सम 1 होना चाहिए। तो यहां से समझते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं डिजिटल सम में, ये 9 तो गया, 5 4 गया तो यहां पर 7 आ रहा है, ठीक, 9 गया 4 5 गया यहां पर आपका 1 आ रहा है, 9 गया 2 8 1 बन गया मतलब इसका टोटल 3 वैल्यू आ रहा है, 9 फिर 1 6 यानी कि 12 3 बनेगा तो इसका 4 आ रहा है ना। अब यहां से समझिए कि स्क्वायर करने पर ये बनेगा 49, 49 का मतलब 4 डिजिटल सम, इसका स्क्वायर करोगे तो डिजिटल सम 1 यही आंसर होना चाहिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा ये भी नहीं होगा आंसर, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा मतलब 7 डिजिटल सम। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसका स्क्वायर करने के बाद डिजिटल सम 1 आ रहा है जो कि है बी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन क्या है तो ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो वैल्यू था वो उसके वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर था, तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करके ही तो हम स्क्वायर रूट हटा पाएंगे, मतलब इस ऑप्शन को स्क्वायर करने पर डिजिटल सम 1 आना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन जो ऐसा था सेकेंड वाला। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पे हमें दिया हुआ है x प्लस समथिंग का वैल्यू 37.x है, तो x का वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। तो देखिए अब x प्लस समथिंग है, तो x प्लस है क्या तो 1 है, x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर रूट है, इसका देखिए डिजिटल सम क्या होगा, ये 3 + 7 1 हो गया 10, 1 + 7 जोड़ोगे तो यहां पर 7 आएगा, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो यह बनेगा 49, 49 का डिजिटल सम क्या होता है तो 4 होता है, मतलब 4 हो गया डिजिटल सम, और यहां x प्लस 1 आएगा, इस 1 को दूसरे तरफ भेज दो तो x का डिजिटल सम आ रहा है 3, तो ऑप्शन वो सही होगा जिसका डिजिटल सम 3 है। 4 और 5 हटा देते हैं, ठीक है, इस 9 को हटा देते हैं तो यहां पर 7 आ रहा है, ये गलत हो गया, 4 1 4 हटा देते हैं यहां पर 14 बन रहा है, तो यहां पर 5 डिजिटल सम, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, 3 और 6 हटा देते हैं, फिर यहां पर आ जाएगा 5 और ये आपका डिजिटल सम 3 दे रहा है, ये सही होगा, ठीक है, 2 7 हटा देते हैं, यहां पे 9 आ रहा है, ये भी गलत होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है केवल वही सही है क्योंकि इसी में 3 का डिजिटल सम आ रहा है, बाकी किसी में 3 का डिजिटल सम नहीं आ रहा है, लास्ट वाले का 9 आ रहा है ना, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर क्यूब है, तो देखिए क्यूब वाले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है 3136 दे रहा है, 6 का क्यूब लेना होगा तब जाके ये क्यूब हटेगा, तो x प्लस ये जो इतना बड़ा सा वैल्यू है इसका डिजिटल सम क्या है,
देखिए वन और एट हट जाएगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वन और एट हट जाएगा, नाइन बन जाएगा, टू और सेवन हट जाएगा, नाइन बचा यहां पे सिक्स। अगर मैं क्यूब कर लेता हूं दोनों तरफ तो इसका क्यूब होता है 216। 216 मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 करोगे तो अगेन 9 आएगा, मतलब x जो है इसका डिजिटल सम होना चाहिए 9 माइनस 6 3। तो एक गलत है, दो गलत है, चार गलत है, आंसर जो सही है वो है सी 30,000। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमें सॉल्व करना है इस तरह के सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल डिजिटल सम का। यहां पर देखिए आपका जो डिजिटल सम यहां पे आ रहा है 4.6, ये तो 1 बन गया। एक बार फिर से यहां पे हम कलर चेंज करके करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये बन जाएगा आपका 1 का डिजिटल सम, ये बन जाएगा 9, तो इधर तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 9 मतलब कि 0 डिजिटल सम में। और ये 24.84 है, तो 2 प्लस 8 10 होता है, प्लस 4 प्लस 4 8 करोगे तो 9 आएगा, तो इसका डिजिटल सम भी 0, मतलब पूरे का डिजिटल सम 1 है और नीचे भी 1 है, मतलब ऑप्शन वो सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो बताइए किसमें 1 आ रहा है, इसको देखेंगे तो 6 प्लस 6 है मतलब कि 12, तो 3 का डिजिटल सम है गलत, ये नहीं होगा। इसको देखेंगे तो अगेन 3 का डिजिटल सम है, ये भी नहीं होगा। 5 प्लस 4 9 हट गया तो 4 बचा, ये भी डिजिटल सम गलत है इसका। 5 प्लस 4 करोगे 9, 2 प्लस 8 करोगे 10, मतलब डिजिटल सम 1 आ रहा है, यही हमारा सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। क्लियर, इतने कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके ऑप्शन इस तरीके से सेट किए जाते हैं एग्जाम में कई बार जो डिजिटल सम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में फंसना नहीं है, आप डिजिटल सम से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो कि हम डिजिटल सम के जरिए फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 756 इन 1.5 ईयर एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 756 रुपए की मूल राशि को अर्धवार्षिक रूप से जब चक्रवृद्धि ब्याज में 20% की दर पर डेढ़ वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये सारी चीजें हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे कि अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है। अभी आप समझिए कि सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर एन माइनस का एक, और यहां पे इस तरीके से आपका सवाल होता है ना। तो अब जब मैं वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है 756 है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, देखिए जब अर्ध वार्षिक रूप से होता है यानी सेमी एनुअली, तो ये तो 12 महीने का रेट है, 12 महीने का जो रेट है वो आपका है 20% का। तो जब अर्ध वार्षिक की बात हो रही है तो आधे साल की बात हो रही है, मतलब 6 महीने की बात हो रही है, तो ये 6 महीने में आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो रेट जो है आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 100 होल टू द पावर एन, टाइम जो है वो 6 महीने का एक टर्म है, तो डेढ़ साल में कितने 6 महीने आएंगे, डेढ़ साल का मतलब क्या होता है 18 महीने डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 3 टर्म आएगा। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर रेट को हमने आधा किया तो टाइम को हमको दुगना करना पड़ता है, तो ये 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, पावर में 3 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डेढ़ साल और रेट को 20% नहीं डाल सकते, तो अगर इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा 756 और 1.1 का होल क्यूब, 1.1 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ये 756 को देखते साथ समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिजिटल सम क्या है, 9 है, और 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे का डिजिटल सम 9 ही बन जाता है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है इसको करने के पहले फटाफट ऑप्शन में एक बार जरूर देखिए कि कहीं ना कहीं डिजिटल सम 9 तो नहीं आ रहा किसी का ऑप्शन, एक ऑप्शन का। तो अगर 2 7 हम हटा देते हैं, ठीक है, 1 प्लस ये बन जाएगा 7 और 6 मतलब 13, ये तो नहीं होगा। यहां पर देखिए 2 5 2 ये 9 होता है, 3 6 भी 9 होता है, मतलब यहां पे डिजिटल सम आपका 9 का बन रहा है, ये हो सकता है। 3 और 6 को हटा देते हैं 9 होता है, ये आपका 7 बन रहा है ऑप्शन, ये नहीं होगा। 2 2 5 आपका 9 होता है, हटा देते हैं, ये बन गया 8 आपका डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा, 8 का डिजिटल सम आ रहा है इसमें। ठीक है, ये
एट का डिजिटल सम आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर जो है वो केवल बी ऑप्शन सही है जिसमें डिजिटल सम आपका 9 का बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट एक और सवाल यहां पर लेते हैं जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 12.7, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। किसी गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 12.7, तो उसका कुल क्षेत्रफल क्या है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, कुल क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr². ऑप्शन को यदि हम थोड़ा सा देखें तो ये पाई को खोला नहीं गया, मतलब पाई एज इट इज है, उसके आगे का वैल्यूज जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को अलग कर लेते हैं, पाई को अलग लिख लेते हैं। उसके अलावा जो वैल्यू है वो है 4 × 12.7² तो ऑप्शन में चेक करिए कि इसका डिजिटल सम पाई को छोड़ के किस में सही आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर 2 और 7 तो गया, 9 बन गया, मतलब इसका डिजिटल सम 1 है, इसके अलावा 4 है, मतलब 4 यहां पर डिजिटल सम आ रहा है और उसमें पाई मल्टीप्लाइड है, तो पाई को छोड़ के जो वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में वो सही होगा जिसमें डिजिटल सम 4 बन रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, यहां पर देखिए 2, 8, 1 होता है, 1 + 5 होता है 6, 6 + 6 + 6 18 होता है, मतलब यहां डिजिटल सम 9 बन रहा है, ये नहीं होगा। 4 और 5 9 होता है, इसको हटा देते हैं। 6 + 6 12 होता है, 12 + 1 = 13, तो डिजिटल सम 4 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 3, 6 हट गया क्योंकि 9 है, 6, 2, 1 हट गया 9 है, तो यानी कि इसमें भी 9 डिजिटल सम आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहां पर 4 को यहां भेज दूं, 6 के साथ तो 10 बन जाएगा, 10 में 7 + 7 मतलब 14 को जोड़ोगे तो 24, मतलब 6 का डिजिटल सम बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 केवल 1 में है, तो बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक सवाल मैं यहां पे आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको आप सॉल्व करिए कमेंट सेक्शन में, डिजिटल सम के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पे आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 वर्षों के लिए, प्रिंसिपल आपको निकालना है और उत्तर आपका यहां पे दिया हुआ है प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है अमाउंट का, कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 / n, यही हमारा फॉर्मूला होता है। लगाइए फॉर्मूला और प्रिंसिपल का वैल्यू बताइए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जरूर आपका आंसर आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा कि किसने किसने कमेंट किया है। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स की, यहां पर हमको थोड़ा सा कॉशियस रखना है, क्योंकि देखिए अगर डिजिटल सम से ही सारी चीजें हो जाती तो फिर हमें तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। डिजिटल सम एक हथियार है जिसको आपको यूज करना है कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, वहां आप डिजिटल सम को जरूर यूज करिए कैलकुलेशन को और फटाफट कैसे करना है उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना है, डिजिटल सम को हम यानी कि बीजांक को कहां पे नहीं लगा सकते इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, जब दो ऑप्शन सेम हो जाए, दो ऑप्शन जब सेम हो जाता है, सेम डिजिटल सम वाले फंस गए, तो वहां पे डिजिटल सम नहीं लगता है। वहां पे आपको या तो यूनिट डिजिट देखना होगा, यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन से, जिसको हम कहते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में डिटेल में। अभी आप नोट डाउन करके रखिए, जब डिजिटल सम सेम होता है तो हम इकाई का अंक से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हम यहां पर कौन से ऑप्शन को चूज करें दोनों डिजिटल सम को अलग करने के लिए। इसके बाद हम आएंगे सेकेंड पॉइंट में, कहां डिजिटल सम यूज नहीं हो सकता है, तो जहां पर डिविजन हो रहा है 369 से, जब 369 से डिविजन चल रहा है तो बीजांक नहीं लगा सकते, क्योंकि 369 से जब डिविजन हो रहा है तो कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं है जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें और डिजिटल सम आपका 1 निकल गया है। तो 369 वाले नंबर से यदि डिवीजन हो रहा है तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। 2, 4, 7, 5, 8 इन सभी संख्याओं से अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 2 में 5 मल्टीप्लाई कर लेना, 4 में 7, 7 में 4, 5 में 2 और 8 में 8 मल्टीप्लाई कर लेना, तो जो भी नंबर आता है उसका डिजिटल सम 1 होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। 369 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे, 9 का मतलब 0 भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट, जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज है या अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल जो है उसमें भी आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। लगभग मान निकालना, क्योंकि अगर सपोज करिए मैंने लिखा
95.98 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कहीं ना कहीं ऑप्शन में डिजिट चेंज हो जाता है, 96 बन जाता है। तो डिजिट जब चेंज हो गया तो फिर रिमाइंडर भी चेंज हो जाएगा और हमारा जो डिजिटल सम है वो फेल हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन के सवाल में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। और लास्ट में नन ऑफ दिस जहां दिया होगा ऑप्शन में, जैसे ए एक ऑप्शन है, बी एक ऑप्शन है, सी एक ऑप्शन है, डी एक ऑप्शन है, तो नन ऑफ दिस अगर आपको ऑप्शन में दिख गया, क्या इनमें से कोई भी नहीं, तो वहां पे आपको पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है क्योंकि नन ऑफ दिस का कोई डिजिट नहीं होता। ठीक, तो इन चार जगह पे हमें कॉशियस रहना है। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो हमने आपको स्टार्टिंग के तौर पे दिया हुआ है, इससे आपके कैलकुलेशन बूस्ट होगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और डिजिटल सम भी आपके कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट्स है तो आप डाउट वाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स, सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। ठीक है, और जो भी पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। चैनल को अभी अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, बेल आइकन जरूर दबाएं। आने वाले वीडियोस में हम अब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिजिटल सम ही सब कुछ नहीं है, इसके लिमिटेशंस है, कहां आप नहीं लगा सकते, इसलिए हमको मैथ्स का नॉलेज भी होना चाहिए। और 100 में से 4-5 सवाल जरूर ऐसे होते हैं जो इसमें से बन जाते हैं डिजिटल सम से, और 4-5 सवाल का मतलब है कि आपने कम से कम 4-5 मिनट बचा दिए आने वाले सवालों के लिए, क्योंकि विद इन सेकेंड्स आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक घंटे में 100 सवाल करने हैं, तो कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ाने होंगे। तो इस वीडियो से जो सीखा है आपने उसको आप कैलकुलेशन में, अपने कैलकुलेशन में लाना चालू करिए, ताकि उससे जो है आपका स्पीड कहीं ना कहीं एनहांस होगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो को यहां रोकते हैं। थैंक यू सो मच।